फार्मूला ये लिखा था हमने, ये बताया था कि डेटा आपके एक्स वन से लेके अगर एक्स एन तक है तो डायरेक्ट मेथड होता है कि आप सभी पदों को जोड़ करके पदों की संख्या से भाग कर दें तो मीन प्राप्त हो जाएगा, एक्स बार से डिनोट किया जाता है अगर एक्स के रूप में डेटा दिया गया है। कल्पित मान का जो नियम होता है उसमें हम सबसे पहले उन्हीं में से किसी एक को मीन मान लेते हैं, जिसको आप ए कहते हैं, एज्यूम्ड मीन कहते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, प्रत्येक मान से उसका डिफरेंस चेक करते हैं कि प्रत्येक मान से उसका अंतर क्या है, और वह अंतर जो होता है डी अर्थात डेविएशन अर्थात विचलन कहलाता है। हम सभी डेविएशन अर्थात विचलन को जोड़ते हैं, एज्यूम्ड मीन रखते हैं, मतलब एज्यूम्ड मीन में सभी विचलन के जोड़ को पदों की संख्या से भाग कर जो मान आए उसको अगर हम लोग जोड़ दें परस्पर तो हमें जो है मीन प्राप्त होता है। मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल रख करके आपको बताया कि अगर इस प्रकार से एक कोई टेस्ट हुआ, 8 बच्चों के नंबर आए, 10, 15, 12, 13, 18, 22, 20, 25, तो हम अगर माध्य निकालना चाहते हैं मीन, तो डायरेक्ट मेथड से सभी पदों को देखिए डायरेक्टली जोड़ा, जोड़कर पदों की संख्या से भाग किया, हमें मीन प्राप्त हुआ। इसी को जब हमने कल्पित मान मेथड से निकाला तो आप लोगों ने कहा सर 18 मान लीजिए, तो हमने यहाँ पर ए को क्या माना था बताइए, इस प्रश्न में ए को हमने देखिए यहाँ पर 18 लिया था, ए को आपने 18 लिया था। अब जैसे ए को आपने 18 लिया तो आप एक्स देख रहे हैं सबके अलग अलग हैं, तो डी मतलब एक्स माइनस से आप माइनस प्लस के हिसाब से वैल्यू निकाले, फाइनली सिग्मा ऑफ डी, सिग्मा ऑफ डी का मतलब सभी को जोड़े, आप नेगेटिव पॉजिटिव का जोड़ आप सब जानते हैं कि पॉजिटिव सब जुड़ जाएंगे, नेगेटिव सब आपस में जुड़ जाएंगे, जो बड़ा छोटा रहेगा, फिलहाल एक प्लस एक माइनस तो घटना ही घटना है, बड़े छोटे की साइन के हिसाब से माइनस 9 आ रहा था। अब हम यहीं तक पहुंच गए थे, उसके बाद हमने कहा कि अब आप क्या करो, एक्स बार देखिए फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ए मतलब 18 और यहाँ पे लिखोगे प्लस, यहाँ लिखो माइनस 9 बटा पदों की संख्या क्या है 8 है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करें बताइए, इसको लिख सकते हैं 18 माइनस 9 बटा 8, तो 18 अट्ठे क्या होता है 144, 144 में से 9 निकलेगा बटा आप 8 कर दो कितना होता है बताइए, 44 में से अगर हम 9 निकालते हैं तो 35 हो जाएगा, 135 बटा 8, यही वहां पर भी आया था, तो 8 से अगर भाग करें 8 एक 8 4 12 और 8 एक 8 5 13, 8 7 56, 8 8 नहीं 8 8 6 48, 8 6 48, 48 के बाद आपका 7 55, तो 8 8 64, 8 7 56, 8 5 40, तो 16.875 उसमें भी आया था, अगर आप चेक कर लो, ये देखिए लिखा ही है 16.875 16.875, इन बोथ केसेस यू गेट द सेम मीन, आपको वही मीन प्राप्त हो जाएगा जो आपने अभी तक चाहे डायरेक्ट मेथड से किया था, 9 नहीं है माइनस 9 कैसे आया। जो अभी एक प्रश्न मैं और कर देता हूँ, इसको तो मैंने कम्प्लीट ही कर दिया था, एक और कर दूंगा तो प्रिया जी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब जैसे मान लीजिए आपको मैं एक प्रश्न करके दिखाऊंगा तो क्लियर होगा, क्योंकि एकदम नए से हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा कि कोई 6 सदस्य हैं, 6 सदस्यों का भार दिया गया है, क्या दिया है भार, 6 सदस्यों का हमको किसी एक समूह के 6 सदस्यों का भार दिया गया है, भार क्या क्या है देखिए आप नोट करिए, भार है एक लोग का 60 किलोग्राम, 60 केजी है, 60 केजी, 70 केजी, 65 केजी, 55 केजी, 80 केजी, ठीक 3 और 100 केजी, इस तरह से सदस्य हैं कुल 6 और सभी सदस्यों का भार दिया गया है। हमसे कहा जा रहा है कि माध्य मतलब मीन भार ज्ञात करिए, तो मीन भार को अगर हमें ज्ञात करना है तो हमारे पास दो मेथड हैं, तो अगर हम बाई डायरेक्ट मेथड करते हैं, किससे करते हैं डायरेक्ट मेथड, अगर डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी पदों को जोड़िए 60 70 65 55 80 और 100 बटा पदों की संख्या कितनी है 6 ना, भाग करिए तो कितना हो जाएगा, जोड़िए सबको 60 70 130 या ऐसे देखिए 60 70 130 130 60 190 190 50 240 240 80 320 और 320 420 420 और 10 और जुड़ जाएगा तो 430 हो जाएगा, 430 बटा आप 6 कर दो, 420 बटा 30 बटा क्या कर दो 6 कर दो, तो कितना हो जाएगा बताइए, 6 7 42 हो गया, ठीक है 42 1 0 6 के 6 हो जाएगा, 6 4 के 36 हो जाएगा, वही बढ़ता रहेगा 71.66 किलोग्राम, या इसको थोड़ा सराउंड फिगर कर दीजिए 71 दशमलव कितना हो जाएगा
6-7, आप 6-7 कह सकते हैं, 7.7 कह सकते हैं, इतना किलोग्राम भार है। इसी को अगर हम एज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड करना चाहते हैं, बाय एज्यूम्ड मीन मेथड अर्थात कल्पित माध्य मेथड से अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए भैया आपको क्या करना पड़ेगा, एक ए मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से बता दीजिए, जिसको कहिए उसी को हम एक मान लें, मतलब आप किसी को भी मान सकते हैं। तो हमारे दिमाग में रहता है कि हम बड़े को मान लें, बड़े को मानने से फायदा रहता है कि सारे टर्म पॉजिटिव आते हैं, कोई नेगेटिव नहीं आता, ठीक है। बाकी आप प्रिया जी ने कहा 70 मान लीजिए, तो 70 को ही मान के चलूंगा, 70 मान लिया, ठीक है, 70 मान लिया। बाकी आपको मैं कहूंगा कि आप हमेशा बड़े को माना करिए, जिससे कभी कोई टर्म नेगेटिव नहीं आएगा, तो नेगेटिव वाली झंझट खत्म हो जाएगी, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपका एक्स है, यहाँ पर आप लिखो डी, और डी क्या होता है, एक्स माइनस ए, हालांकि दोनों केसेस में उत्तर वही आना है। एक्स आपके पास देखो 60 है, 70 है, 65 है, ठीक है, 55 है, 80 है और 100 है, ये हमारे पास अलग अलग भार दिए गए हैं। हम डी कैलकुलेट करते हैं, तो डी कहा गया है एक्स माइनस ए, तो हम कहेंगे 60 माइनस 70 करेंगे तो आपका 10 आएगा, नहीं नेगेटिव 10 आएगा, याद रखिएगा 60 माइनस 10 करने पर नेगेटिव 10 आएगा, 70 से 70 घटाने पर 0 आएगा, 65 से 70 घटाने पर माइनस 5 आएगा, 55 से 70 घटाने पर माइनस 15 आएगा, 80 से 70 घटाने पर 10 आएगा, 100 से 70 घटाने पर 30 आएगा। इतना हो गया आपके पास डी अलग अलग। अब मैं आप लोगों से कहूंगा सिग्मा डी बताइए क्या होगा, सिग्मा डी मतलब सभी डी का जोड़। अब जोड़ कैसे होगा, जोड़ ऐसे होगा कि जो नेगेटिव है नेगेटिव जुड़ जाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ जाते हैं। जैसे देखिए 30 और 10 40 होगा, और 15 20, 15 5 20, 20 5 25, मतलब अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 में से 25 घटाने पर 15 आएगा, मतलब सभी जोड़ने पर कितना आ रहा जुड़ करके, 15। कैसे देखिए 30 10 40, 40 में से 20 निकलेगा, 20 नहीं गलत किया हमने, 30 10 40, 40 में से 20 निकलने पर 20, 20 में से 10 निकलने पर 10 आना चाहिए ना, 10 आएगा, गलत हमने लिखा यहां पर, तो 10 आएगा, जोड़ने पर आपका 10 आ रहा है, कितना आ रहा सिग्मा डी 10 आ रहा है। अब यहां पर हम लोग को फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एज्यूम्ड मीन मेथड का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा ऑफ डी अपॉन एन, ये फार्मूला होता है। अब आपको इसी फार्मूले के अंतर्गत चीजें कैलकुलेट करनी है, अर्थात एक्स बार लिखिए ए, ए मतलब 70 प्लस आपके पास सिग्मा डी है 10 डिवाइड बाई क्या है एन, एन मतलब 6। अब आप देखो थोड़ा सा काट दो, तियां 6 2 5 10, ये हो गया 70 प्लस 3 से भाग करिए 1.3, 3 1 3 3 6 18 3 6 18, तो अब जोड़ के देखिए 71.66 आ जाएगा, वही जो वहां पर आया था वही यहां पर भी आ रहा है। तो मतलब मेथड दोनों अलग अलग भले हैं, बट दे प्रोवाइड द सेम रिजल्ट, रिजल्ट कभी गलत नहीं देंगे। आपसे जो परीक्षा में पूछा जाएगा ये फार्मूला पूछा जाएगा डायरेक्ट मेथड के बारे में, और शॉर्टकट मेथड या जो आपका स्टेप डेविएशन मेथड है, अज्यूम्ड मीन मेथड, इन सब के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। आप वर्किंग इसका नहीं आता है, बहुत रेयर आता है, ये थोड़ी कहेगा कि इस मेथड से करके उत्तर बताओ, भाई उत्तर तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो हमसे थोड़ी हम स्पेसिफिक मेथड अलग अलग इसलिए बता रहे क्योंकि आपको आइडिया रहे और साथ साथ आप फार्मूले पर कमांड रखें। स्कूल में पढ़ते तो वहां आता था कि आप इसको जो है कल्पित माध्य मेथड से करके दिखाना, तभी पूरे नंबर मिलेंगे, आप डायरेक्ट से कर दोगे तो आपको पूरे उत्तर नहीं मिलने वाले। तो ये आपका स्कूल का सिस्टम तो है नहीं आपके, अगर हाँ लेकिन फार्मूले की उपयोगिता, इसलिए फार्मूला याद रखिएगा दोनों का। आई होप समझ में मेरी बातें आ गई होगी आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब हम मेन निकालेंगे फॉर इंडिविजुअल डेटा। देखो फॉर इंडिविजुअल डेटा मतलब जिसको बारंबारता के साथ प्रेजेंट किया जाता है, मीन फॉर डिस्क्रीट। तो आइए देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको जैसे देखिए डेटा दिया रहेगा ऑब्जर्वेशन, और साथ साथ उनकी फ्रिक्वेंसी सबकी अलग अलग बारंबारता दी रहेगी। अब अगर हमें मीन निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, देखिए हमें मीन फाइंड करना है, और मीन हमें करना है बाय डायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है आपका, उससे कैसे हम मीन पता करेंगे, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला आप समझिए क्या होता है, x बार इज इक्वल टू x1 f1 x2 f2, सो ऑन बढ़ते गए xn fn, डिवाइड बाय f1 plus f2 plus so on fn। मतलब आपको क्या करना पड़ता है, जो ऑब्जर्वेशन है उनको बारंबारता के साथ गुणा करना पड़ता है, और गुणा करके उनको जोड़ना पड़ता है, फिर नीचे बारंबारताओं के जोड़ से आप डिवाइड करते हैं। जैसे अगर आप इसका एक फार्मूला इस पार्ट में भी इस तरह से लिख करके देखिएगा, तब भी मानिएगा वही कहा गया है, सिग्मा ऑफ एक्स आई
एफ आई अपान सिग्मा आप एफ आई, ये रूल होता है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ इसका, ऐसे देखो लिख करके आता है इसलिए आपको समझना चाहिए ये हो क्या रहा है। यहाँ पे आई का मान इसने कहा कि वन से स्टार्ट होगा और यन तक जाएगा, यहां पर भी आई का मान वन से स्टार्ट होकर यन तक जाएगा। अभी देखिए ये फार्मूले का पार्ट है, जैसे हमने कहा आई का मान वन से शुरू होगा तो वन इनके साथ भी लगेगा, इनके साथ भी लगेगा, तो एक्स वन एफ वन, टू होगा एक्स टू एफ टू, थ्री होगा एक्स थ्री एफ थ्री, एन होगा अंतिम में तो एक्स एन एफ एन। नीचे जाइए एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर सो ऑन एफ एन तक, सभी पदों का जोड़ कर दीजिए, मतलब यहाँ पर एफ वन एफ टू। अब ये तो चलिए आपका डायरेक्ट मेथड हो गया, अब इसी मीन को हम फाइंड करेंगे बाई स्टेप बाई अज्यूम्ड मीन मेथड। Assumed mean method. मैं फार्मूला बता देता हूँ फिर एग्जाम्पल से कराऊंगा तो दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए assumed mean method में क्या होगा, यहाँ पर लिखना होगा x bar is equal to a plus sigma of f into d upon sigma of f, ये फार्मूला होता है। अब आप इसके सारे पदों के बारे में जान लीजिए, ये क्या है assumed mean है, मतलब कल्पित माध्य है। assumed mean मतलब क्या हो गया, कल्पित माध्य है, और कल्पित माध्य कहां से लेना है बताइए, फ्रॉम एक्स ऑब्जर्वेशन से लेना है, जो ऑब्जर्वेशन वाला कॉलम रहेगा ऊपर उनमें से किसी एक को कल्पित माध्य आप मान सकते हैं। ठीक है, बड़ा लिखें थोड़ा सा। हाँ, मैंने कहा कि आप किसी एक को कल्पित माध्य मान लीजिए, लेकिन आप हमें सोचिए कल्पित माध्य लेना कहां से होगा, बारंबारता से नहीं लेना होगा, कल्पित माध्य ऑब्जर्वेशन से लेना होगा, जो पद दिए रहते हैं उससे लेना होगा। डी क्या होगा, डी होगा भैया एक्स माइनस ए, जो बात जैसे उसमें किया था उसी तरह से इसमें भी करेंगे। d मतलब x माइनस a और सिग्मा ऑफ f मतलब क्या हो गया, सभी बारंबारताओं का जोड़, अर्थात इसको आप n कह सकते हैं या सभी बारंबारताओं का जोड़ हो गया। अभी मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से चीजों को समझ लीजिए और फार्मूला दोनों का तैयार रखिए, इसका और इसका। ये फार्मूले आपसे पूछा जा सकता है, मीन के लिए निम्नलिखित में कौन सा फार्मूला सत्य है, ये सही है, वो भी सही है, वो आपका कल्पित माध्य नियम है, ये आपका डायरेक्ट नियम है। तो बारंबारता के साथ जब भी डेटा दिया रहेगा तो इस प्रकार के दोनों मेथड से आप मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल इसका करके दिखाता हूँ, आप समझोगे तो क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए आपको डेटा दिया जाए कि हमारे किसी एक क्लास में एक टेस्ट हुआ, क्लास में एक टेस्ट हुआ, टेस्ट में देखो नंबर पाए हैं बच्चे कुछ ऐसे कि आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। मान लीजिए हमने देखा कि एक टेस्ट हुआ जिसमें मार्क्स है मतलब अंक है, जिसको आप एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये आपका एक्स है और ये आपका एफ है। हमने देखा कि 10 नंबर पाने वाले कुछ 5 बच्चे थे, 15 नंबर पाने वाले कुछ जो है 8 बच्चे थे, 20 नंबर पाने वाले कुल जो है 10 बच्चे थे 20 नंबर, और 25 नंबर पाने वाले कुल 4 बच्चे थे। इस प्रकार से हमने एक डेटा लिया और उस डेटा में हमने कुछ अंकों के हिसाब से बारंबारताओं को देखा कि मतलब हमारे इस स्कूल में 4-5 तरह के अंक मिले हैं जो अच्छे अंक हैं, 10 नंबर पाने वाले कुल 5 बच्चे हैं, 15 पाने वाले कुल 8 हैं, 20 पाने वाले कुल 10 हैं, और 25 पाने वाले कुल 4 हैं। अब हम इसको अगर मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं दोनों मेथड से, हमने कहा बाई डायरेक्ट मेथड। अगर हम डायरेक्ट मेथड से करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेथड का आपने फार्मूला देखा था कि एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ इंटू एक्स इंटू एफ एक्स लिख दीजिए अपान सिग्मा। अब हम आई नहीं लगा रहे हैं, मतलब अर्थ एक ही है, आई लगा के दिखाइए बिना लगाए दिखाइए, दोनों का सेंस एक ही तरह से काम करेगा। अब आपको उसका कैलकुलेशन समझना कि किया कैसे जाएगा। हम यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे x, हम यहाँ पे बनाएंगे f, ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे हम fx। इस तरह से हम तीन कॉलम बनाएंगे, x हमारे पास 10 है, फिर ये 15 है, फिर ये 20 है, और ये 25 है। अब आप इसको देखो, ऐसे सोचते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इनकी 5 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, और 4 दिया है। अब आपको एफ एक्स करना है, मतलब सभी को सभी से गुणा करना है, 10 गुणे 5 50 होगा, 15 8 120 होगा, 20 दाम में 200 होगा, और 25 चौके 100 होगा। रूल क्या है, इस रूल पर आइए, लिखा है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ एक्स, मतलब इसको जोड़ना पड़ेगा, सिग्मा ऑफ एफ एक्स जोड़िए कितना होगा,
200, 300, 400, 470 हो जाएगा। कितना होगा भाई, जोड़ के देखिए, 470। सिग्मा ऑफ एफ क्या होगा, सभी बारंबारताओं का जोड़, जोड़िए कितना है, 5, 8, 13, 13, 4, 17, 10, 27, कितना है, 27 है। ठीक है, अब हम लिखेंगे 470 बटा, 470 बटा क्या लिख दीजिए, 27। अब 470 बटा 27 है, अब आप इसको थोड़ा सा चाहो तो मिक्स्ड में ब्रेक कर दो या ऐसे ही छोड़ दीजिए, जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि हम तो अपने से आंकड़ा लिए हैं। 470 बटा 27 अगर ब्रेक करना चाहोगे तो, अब आगे देखिए, हम अगर इसी को एज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड से, इसका फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी अपान सिग्मा ऑफ एफ, ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पर हम इसको वैल्यूएबल करेंगे, मतलब इसका यूज करेंगे। आप देखिए कैसे किया जाएगा, सुनिए सभी लोग। तो हम यहां पर लिखेंगे एक्स, यहाँ, अच्छा यहाँ पर लिखेंगे एफ, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले डी, और यहाँ पर लिखेंगे एफ डी। ठीक, हम इस तरह से हम जो जो हमारी आवश्यकता है उसको हम बनाएंगे। क्या लिखा, एक्स लिखा, एफ लिखा, डी लिखा। डी मतलब क्या होता है, एक्स माइनस ए, मतलब सबसे पहले जरूरत आपको ए की है। आप एक्स लिख लो कितना है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। आप इसी में से किसी को एक एक्स मान लीजिए, जो मर्जी आपके मान सकते हैं। हमने चलो 20 को मान लिया, कितने को, a बराबर 20, अपनी मर्जी से हमने a बराबर 20 मान लिया। आप किसी को भी मान सकते हैं। फ्रीक्वेंसीज अलग अलग क्या है, 5 है, 8 है, 10 है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, 4 है। d बराबर x माइनस a, d बराबर x माइनस a, तो 10 में से अगर हम 20 घटा दे तो माइनस 10, 15 में से 20 घटा दे माइनस 5, 20 में से 20 घटा दे 0, और 25 में से 20 घटा दे 5। तो हमारे पास d बराबर x माइनस a आ गया। एफ डी देखो क्या होगा, सोनिका जी नहीं दिख रहा है, क्या होता है, एफ डी देखो क्या होगा, इनका इनके साथ गुणा करो माइनस 50 होगा, इसका इसके साथ करो माइनस 40 होगा, 0 होगा और 4 पंचे 20 होगा। अब दो चीज करना पड़ेगा इस फार्मूले के हिसाब से। हमारे पास a तो अवेलेबल ही है, सिग्मा ऑफ एफ डी, मतलब इनको लिखना पड़ेगा जोड़, सिग्मा ऑफ एफ डी जोड़ के देखिए, और ये सिग्मा ऑफ एफ तो आप जानते ही हैं, जो कि आपको 27 दिया गया है। ठीक है, इनको जोड़िए, 50 40 90 नेगेटिव में है और 20, तो माइनस 70 आएगा। कितना आएगा भाई, माइनस 70 आएगा। ठीक है भाई, 50 40 90 नेगेटिव में है और प्लस 20 है, तो 90 से 20 निकलेगा 70, लेकिन नेगेटिव का साइन लगेगा, तो माइनस आपका जो है आंसर आपका ये माइनस में रहेगा। अब आगे बढ़िए, फार्मूले पर आ जाइए। फार्मूला इनका क्या कहता है कि ए, ए प्लस ए की जगह पे आप क्या रख दो, ए की जगह रख दो आप 20, ए की जगह कितना रख दो 20, माइनस 90 होगा, मतलब यहाँ पहले प्लस लगा दीजिए, माइनस 90 बटा सिग्मा ऑफ डी 27 है। तो आप इसको लिख सकते हैं 20 माइनस 90 बटा 27, 27 दूना 54, 540 माइनस 90 बटा 27 घटा दीजिए, तो 27 दूना 54 था ना, शून्य, 14 में से 9 70 था यार, 90 नहीं था, 70 था ये 70 था यहाँ पे ना, ये भी 70 था और ये 70 है, तो 70 घटाएंगे 14 से 7, 7 होता है, 470 बटा 27 जो वहां पर था वही यहाँ पर है, 470 बटा 27 यहाँ भी आया था और यहाँ भी आ रहा है, तो राइट सोल्यूशन है दोनों का, बस फार्मूले पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है। फार्मूला अगर तैयार है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आई होप दोनों समझ पाए होंगे, एक बार उतार लीजिएगा, फार्मूला तैयार कर लीजिएगा, इसी एग्जांपल को रिवाइज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ चलता हूँ, सतत निरंतर डेटा जो हो आपके होते हैं उनका भी मीन आप कैलकुलेट कर लीजिए, कम से कम फार्मूला तो आप लोग तैयार ही कर लीजिए। तो आइए नेक्स्ट हेडिंग कर रहा हूँ, मीन फॉर कंटिन्यूअस डेटा, कंटिन्यूअस डेटा अर्थात निरंतर डेटा, सतत डेटा जो है उनके लिए हम लोग मीन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये डेटा अवेलेबल किस रूप में रहेंगे, देखिए ऐसे रहेंगे आपके सामने, कैसे रहेंगे, यहाँ पे वर्ग अंतराल होता है आपको पता है, साथ साथ बारंबारता दी गई होती है, तो क्लास इंटरवल होगा और साथ साथ फ्रीक्वेंसी होगी। क्लास इंटरवल में कैसे रहेगा डेटा, ऐसे रहेगा, एक्स जीरो से एक्स वन, एक्स वन से एक्स टू, एक्स टू से बढ़ता जाए, और एक आग लिख देते हैं, एक्स टू से एक्स थ्री, एक्स टू से एक्स थ्री,
और ऐसे बढ़ते चले गए तो xn माइनस वन से xn। अब देखिए बारंबारताएं समझिए इनकी क्या होगी, f1, f2, f3, so on, fn। ठीक, तो क्लास इंटरवल अर्थात वर्ग अंतराल दिया गया है और साथ साथ उनकी बारंबारताएं दी गई। अब यहां पर भी अगर हम मीन कैलकुलेट करें तो हमारे पास कुल इसके तीन मेथड हैं, याद रखिएगा। एक तो डायरेक्ट मेथड है और बहुत आसान है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा अलग से कोई स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा, फार्मूले तैयार ही कर लीजिए, इसके बाद फिर हम इसकी वर्किंग को जब हम पढ़ाएंगे ना, एग्जाम्पल कराएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए फार्मूला पहले देखिए, एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ एफ इंटू एम, आई के साथ प्रेजेंट कर दो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, सिग्मा ऑफ एफ आई एम आई अपान सिग्मा ऑफ एफ आई। आई का मान याद रखिएगा एक से लेके एन तक है, जैसे इसमें है वैसे इसमें भी है, मतलब जैसे होता नहीं कि एफ वन एम वन एफ टू एम टू एफ थ्री एम थ्री, ये जैसे आई शुरू करता है और अंत करता है, तो सिग्मा में जो ऊपर नीचे लिखा रहता है, नीचे वाला भाग इनिशिएट करता है ऊपर वाला भाग एंड करता है। आपको सब जानकारी तो है कि एफ क्या है, बारंबारता क्या है, ये सब तो क्लियर है, सिग्मा ऑफ एफ भी आपको क्लियर है, बस एक चीज इसमें नई है, यम, यम है भैया मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू आपको क्लियर है, मैंने आपको पढ़ाया था मिड वैल्यू है, जो कि होता क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई टू, हर वर्ग अंतराल की अपनी एक मिड वैल्यू होगी जिसको हमें निकालना पड़ेगा, मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन तो होता नहीं है, आपको लिखा रहेगा जीरो से दस, दस से बीस, बीस से तीस, कोई एक्स एग्जैक्टली जैसे अभी तक हम देख रहे थे तो सामने एक ऑब्जर्वेशन दस नंबर पाने वाले पंद्रह नंबर वो मेंशन होता था, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक है नहीं, तो हम कहेंगे भाई आप एक काम करो स्पेसिफिक बना लो, यम ले लो, यम मतलब मिड वैल्यू हमने ले लिया। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। अब इसी को अगर हम एज्यूम्ड मीन मेथड से करना चाहें, एज्यूम्ड मीन मेथड से अर्थात हम इसको कल्पित मान नियम कहते हैं, अगर हम इससे करना चाहें तो यही फार्मूला कैसे काम करेगा, ये हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार इज इक्वल टू देखिए ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ, देखो अब आपको लगेगा तो वही फार्मूला है जो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था, किसमें हम लोगों ने भी डिस्क्रीट में पढ़ा था, बट इसमें थोड़ा सा चेंज होगा भाई, ए तो आपको पता है कि क्या है, कल्पित मान है, कल्पित माध्य है अर्थात अज्यूम्ड मीन है, डी आपका डेविएशन है जो कि यम माइनस ए होगा, जैसे उसमें क्या था एक्स माइनस ए, इसमें यम माइनस ए, यम मतलब माध्य वैल्यू, माध्य वैल्यू से आपको ए घटाना होगा, जैसे उसमें एक्स से घटाते थे विचलन पता करते थे, एक्स से घटा के करते थे, यहाँ पर यम से करना पड़ेगा, बाकी आपको सिग्मा आप पता ही, हर चीज क्लियर है, इसमें कोई डिफरेंट नई चीजें नहीं आई है, यम आप जानते हैं क्या है, मिड वैल्यू है, वहां से लिखा ही है तो बार बार लिखने की इसकी जरूरत नहीं है, यह मिड वैल्यू है। इसमें एक भैया स्टेप डेविएशन मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड होता है जिसको आप लोग विचलन मेथड कहते हैं, ठीक है, विचलन मेथड जो विचलन नियम होता है, विचलन नियम के थ्रू माध्य अगर निकाल लें तो विचलन का नियम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, विचलन नियम ये होता है कि एक्स बार इज इक्वल टू, याद रखिएगा ए, ए इसमें भी लिया जाएगा माध्य वैल्यू, एज्यूम मान इसमें भी लिया जाएगा, सिग्मा ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एफ, देखो फार्मूले में कुछ चेंज नहीं, बस एक चेंज है जो डी था नाउ बिकम डी डैश, अब आपको सर डी डैश क्या है, तो डी डैश नोट कर लीजिएगा, डी डैश बराबर डी अपान आई, डी अपान आई, और डी क्या है, डी है यम माइनस ए अपान आई, आई क्या है, आई है भैया वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल मतलब एक तरह से आप लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो फर्क होता है, जो फर्क होता है किसी भी क्लास इंटरवल का गैप जो होता है, आपने पढ़ा था, मैंने इसको बताया होगा आई, तो जैसे जीरो से दस दिया है, दस से बीस दिया है, बीस से तीस दिया है, तो सब में देख रहे हैं दस दस का गैप है, जीरो से दस, दस माइनस जीरो, बीस से दस से बीस, बीस माइनस दस, बीस से तीस, तीस माइनस बीस, तो हर जगह पे दस दस का गैप है, तो आई बिकम द टेन, आई यहाँ पर दस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये तीन फार्मूले हैं, प्लीज आप इन तीनों फार्मूलों को उतार लीजिए, अभी तो सीट चली ही जाएगी, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से तीनों फार्मूलों को क्लियर कर देता हूँ, मतलब ये फार्मूले ही मुख्य हैं, आप याद रखना, बट करना भी थोड़ा सा आना चाहिए कि आपको कम से कम आइडिया रहे कि हाँ करते कैसे हैं, बाकी करने को लेकर के बहुत क्वेरी नहीं बनती है, समझने को लेकर ज्यादा क्वेरी बनती है। अब आप देखो आपके पास एक मान लो प्रश्न है, आप मेरी बात को खूब ध्यान सुनिएगा, वैसे सुनते हैं आप लोग ध्यान से, मुझे इसका कोई डाउट नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि और ध्यान से सुने, ठीक है,
देखिए यहां पर हमारे सामने है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, बहुत बड़ा डेटा हम नहीं लेंगे, ऐसा लेंगे जो रेंज में हो, जो समझ में आपको आ जाए, 30 से 40 यहीं तक लेके चलते हैं, 50 भी नहीं जाएंगे, ठीक है। आइए, 5 लिया, 8 लिया, 7 लिया और 5 लिया, ठीक। अब आपके सामने डेटा है, हमसे कहा गया मीन पता करो, हम सबके मीन अलग तरीके से अलग अलग फाइंड करेंगे। ये देखिए हम बाई डायरेक्ट मेथड जा रहे हैं, बाई डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ इनटू एम डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एफ, ये कहता है हमसे, ठीक। आइए इनको समझिए, यहां पर लिखिए क्लास इंटरवल और यहां पे लिखिए फ्रीक्वेंसी, ना। क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। जैसे 40, हाँ। फ्रीक्वेंसी क्या है, 5, 8, 7, 5, ये हो गया। अब हमको देखो एक चीज निकालना है, दैट इज यम। वैसे यम पहले ही लोग निकाल लेते हैं, लेकिन हम अभी निकाल दें तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ यम क्या होगा यहाँ पर, मिड वैल्यू 0 + 10/2 तो 5 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। 10 + 20/2 तो कितना होगा, 15। अब 10-10 का गैप जोड़ते जाइए, हो जाएगा, ये निकल गया ना। आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यू गेट द एम, आपको एम मिलता जाएगा। अब फार्मूले में एफएम की आवश्यकता है, एफएम जिसमें गाना बजता है, नहीं, ये एफएम दूसरा है ना। हाँ, अब आपको कहा गया एफएम करो, तो 5 × 5 = 25 होता है, 15 × 8 = 120 होता है, 25 × 7 = 175 होता है, और 35 × 5 क्या होता है, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 17, ये भी 175 होता है। सिग्मा ऑफ एफएम करो, सिग्मा ऑफ एफएम बताइए क्या होगा, जोड़ूं, 1 × 2 = 200, 375, 1 सेकंड, 200, 300, 400, 200, 300, 400, 75, 95, 495, क्या मैं सही हूं कि गलत हूं, 495 दीप सिघा जी ने बता दिया। और सिग्मा ऑफ एफ क्या है भाई, जोड़िए, 5 × 8 = 13 = 7, 20 × 5 = 25, ये भी बढ़िया है। आइए फार्मूला देखिए क्या है, आपका क्या कहता है, फार्मूला कहता है सिग्मा ऑफ एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एफ कर दो, तो सिग्मा ऑफ एफ एम क्या है, 495 / 25, तो 25 × 25 = 25, 25 × 24 = 24 क्या हो जाएगा, 49, 24 × 2 = 245, तो 25 × 9 = 225 होता है, 225 और 20/25, मेरे ख्याल से 5 × 20, 5 × 5 = 25, अर्थात 19 सही 4/5 आना चाहिए, क्या सही हूं मैं, 19 सही 4/5 मतलब 19.8। आंकड़ा आपका वही है, 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, बस इतना ही लिए थे ना हम लोग। हाँ, बारंबारताएं देखिए क्या क्या थी, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, 5, 8, 7, 5, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब आप देखो, अब आपको जैसे ए इसमें, अब इसमें सबसे पहले यहां पर जैसे अज्यूम्ड मीन मेथड से अगर हम करने जा रहे हैं, बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। और होता क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ एम अपॉन सिग्मा ऑफ एफ, ये फार्मूला होता है, x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ एम अपॉन सिग्मा ऑफ एफ। देखिए यहां पर लिखो x, यहां लिखो f, यहां लिखो m, और नहीं, एफ एम नहीं होता है, एफ डी होता है,
क्या होता है, एफडी होता है। एम होगा फिर डी बनेगा फिर एफडी आएगा। देखिए इतनी आवश्यकताएं इसमें होगी, ठीक है। चलिए तो आपके पास 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, कुछ तो ऐसे ही बनते चले जाएं क्योंकि फ्रीक्वेंसी है ही है, ठीक, फ्रीक्वेंसी है ही है आपके पास। यम, यम देखो आपको पता ही है इसका 0 से 10, 0 10 डिवाइड बाय 2, 10 से 20 डिवाइड बाय 2, 25 और 35, ये सब भी क्लियर है। डी, डी के लिए सबसे पहले ए मानना पड़ेगा, ये आप किसी एक को, इसी यम में से किसी एक को मान लो, इसी यम में से किसी एक को, मैंने 25 को ले लिया, किसको ले लिया, 25 को। अब हम कैलकुलेट करते हैं, 5 माइनस 25, देखो मैंने कहा था डी क्या होगा, यम माइनस ए होगा, डी क्या होगा भाई, यम माइनस ए होगा, यहाँ पर एक्स तो होता नहीं है। अब 5 से 25 घटाओ तो माइनस 20, 15 से 25 घटाओ माइनस 10, 25 से 25 घटाओ 0, 35 से 25 घटाओ 10, ठीक है, 35 से 25 घटाओ 10। एफ डी, एफ डी करना है, एफ ए है आपके पास, डी ए है, तो माइनस 100 होगा, देखो 5 गुणे माइनस 20 कर रहे हैं माइनस 100 होगा, 8 गुणे 10 कर रहे हैं माइनस 80 होगा, 7 गुणे 0 कर रहे हैं 0 होगा, और 5 गुणे 10 कर रहे हैं 50 होगा। अब आ जाइए रूल पर, सिग्मा ऑफ एफ डी जोड़िए, 180 में से 50 निकलेगा, 180 में से 50 निकलेगा, 130 होगा वो भी माइनस में, 130 होगा माइनस में। सिग्मा आप एफ आपने करा ही था, 25 आया था, कोई दिक्कत नहीं। अब सूत्र पे आ जाइए, हाँ कहीं कोई मेरे से गलती हो तो प्लीज बता देना। ए, ए का मान 25 है, सिग्मा आप एफ डी आपका माइनस 130 आया है, और ये आपका 25 है, तो 25, अभी देखो नेगेटिव तो होना ही होना है, 5 पचे 25, 5 दो 10, 5 छंग 30, ठीक है, 26/5 है, 26/5 है, तो 25 में से क्या घटेगा पता है, 5 पचे 25, 5 दो 10, तो 5 निकला तो हो जाएगा 19.8 जो वहां पे आया था, करेक्ट है। तो आपने देखा अज्यूम्ड मीन मेथड भी काम कर रहा है, मतलब मीन निकालने का अज्यूम्ड मीन मेथड भी काम कर रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके आगे बढ़ूं, तो चलिए अभी जैसे एक और मेथड इसी का था, स्टेप डेविएशन मेथड, वो भी काम करेगा, उसमें भी डी की जगह पर बस डी डैश यूज करना है। आपको मैं करके दिखा देता हूँ। वही डेटा लीजिए फिर से जो आपने अभी लिया है, आपने लिया है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। फ्रीक्वेंसी क्या थी, 5, 8, 7, 5, यही थी ना, 5, 8, 7, 5, चेक कर लो एक बार, हाँ ठीक है। अब अगर हमसे जो कहा गया है अज्यूम्ड मीन मेथड से करो, बाई सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड बोल रहा हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड से अगर हमको करना है, स्टेप डेविएशन मेथड से x बार इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी डैश अपान सिग्मा ऑफ एफ, सिग्मा ऑफ एफ डी डैश अपान सिग्मा ऑफ एफ। अब आप देखो यहाँ पर जो जो, अब देखो d डैश नई चीज अगर कराई है तो हम देखो हमारे पास आवश्यकता किसकी किसकी होगी, x की, हाँ f की जो ऑलरेडी पता होगा, m आपको निकालना पड़ेगा, d आपको निकालना पड़ेगा, d के बाद आपको d डैश करना होगा, या डायरेक्ट यहीं पे d डैश में कर दूं, तो d डैश है क्या, सुनिए, d डैश है m माइनस a डिवाइड बाई i, ये है d डैश, फिर आप f d डैश कर देना तो हमारा कॉलम बच जाएगा, ठीक है, ये है आपके पास पूरा टर्म। चलिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, फ्रीक्वेंसी देखो 5 है, 8 है, 7 है, 5 है, यम बताइए जैसे निकला था क्या क्या बताओ, 5 था, 10, 15 था, 25 था और 35 था ना, और आगे देखिए डी डैश, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने कहा यम माइनस ए, आप ए अभी किसको माने थे बताइए, जिसको माने थे उसी को मान लीजिए, थोड़ा आसानी रहती है, ठीक है, हाँ एक जैसे लग रहे, हाँ बिल्कुल एक जैसा ही होता है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपको अलग अलग चीज, इसीलिए तो कंफ्यूजन फार्मूले पे ही देता है, एग्जाम में फार्मूला ही आपके आपसे पूछा जाता है, तो फार्मूले को अगर आपसे पूछा जाए तो फार्मूले एक जैसे लगते हैं इसलिए और कंफ्यूजन होता है,
एकदम अलग होते हैं तब तो चलो ठीक रहता है। यहाँ पे लिखा m माइनस ए डिवाइड बाई आई, m मतलब क्या भैया, 5 से 25 घटाओ। अच्छा एक बताओ i क्या है, i आपने देखा सब में डिफरेंस करके देखिए अपर से लोअर का, तो i 10 होगा। i क्या होगा, 10 होगा। अब जैसे 5 में से हम 25 घटाएंगे माइनस 20, और माइनस 20 को 10 से भाग करेंगे माइनस 2 आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो। मैंने कहा 5 माइनस 25 बटा 10 तो कितना हो गया बताइए, माइनस 2। ऐसे सब होगा, बस बाकी मैं पूरा नहीं करूंगा। 15 से 25 घटाओ माइनस 10, 10 में से 10 डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, माइनस 1। 25 से 25 जीरो हो जाएगा, 35 से 25 10 बटा 10 1 हो जाएगा, मतलब माइनस 2 माइनस 1 और 1 जीरो और 1। अब ये एफडी डैश करो, 5 गुणे माइनस 2 माइनस 10 होगा, 8 गुणे माइनस 1 माइनस 8 होगा, जीरो होगा, और 5 गुणे 1 5 होगा। आइए बाकी चीजें आपको कन्फर्म है। सिग्मा आप एफडी डैश करो, और सिग्मा आप आपको ऑलरेडी है पता ना, सिग्मा आप ऑलरेडी पता है आपको, तो सिग्मा आप एफडी डैश क्या होगा, 10 8 18 में से 5 निकलेगा तो माइनस 13 होगा, माइनस 13 होगा, और इधर आपको पता है हमेशा 25 है। इस पर आइए रूल पर, तो 25 माना था प्लस सिग्मा आप एफडी डैश माइनस 13 बटा आपका 25 है, ठीक है ना। तो हो गया 25 माइनस 13 बटा 25 कंफर्म। तो 25 लिखिए, माइनस क्या लिखो, पॉइंट कुछ गलत हुआ है, एफडी डैश डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एफ, 10 8 18 18 में से 5 निकलेगा माइनस 13 तो सही है, सिग्मा ऑफ एफ भी सही है ए। हाँ एक चीज तो यहां पर हम भूल ही गए, इनटू यहां पर आई होगा, यहां पर आई फार्मूला अभी जहां लिखा था हमने स्टार्टिंग में वहां भी चेंज कर लीजिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने कहां लिखा था बताइए, ये लिखा था, ये जो फार्मूला लिखा था इसमें फार्मूले में एक टर्म आई इन्वॉल्व होगा। जब आप स्टेप डेविएशन पे जाओगे और यहां पर आप क्या करोगे, डी डैश करोगे ना, तो आपको आई से गुणा भी करना पड़ेगा अंत में, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ इस पन्ने पर भी परिवर्तन करिएगा, एफडी डैश अपान एफ इंटू सिग्मा एफ इंटू आई करिएगा। तो अब जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो वहां भी ये चीज होगा, जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ध्यान से देखिए। तो मैंने कहा यहाँ आई से आपको गुणा भी करना होगा अंत में, मैंने 10 से देखिए गुणा कर दिया, 10 से गुणा किया तो क्या यहीं भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 10 मतलब आई का मान 10 ही था, समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं है ना। 5 दूना 10 है, 5 पचे 25 है, तो 25 माइनस 26 बटा 5 अभी जैसे किया था, तो 25 में से क्या घटेगा बताइए, 5 पचे 26, 5 पचे 25 और 5 दूना 10 तो आ जाएगा वही 19.8 जो उसमें आया था, क्लियर। 19.8 उसमें भी आया था, इसमें भी आया, हर जगह भी आई। आप थोड़ा सा फार्मूले को देख लीजिएगा और फार्मूला आपको तैयार करना पड़ेगा, सारे के सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं, कोई भी अंतराल उठाइए, हाँ 0 10 10 20 20 30 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूजा जी, तो 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 वर्ग ओ गैप है, मतलब विड्थ ऑफ द क्लास है, आई है, आई से डिनोट किया जाता है, यही है। हम लोग आगे का जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मीडियन, ठीक है। मीडियन पर आप शुरू करो आज, कि हम मीडियन पढ़ें, हेडिंग करिए मीडियन क्या है और मैं इसको बताता हूँ। मीडियन जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका को मैं जब पढ़ाया था तो उसी समय मैंने आप लोगों को कहा था कि माध्यिका को हम अंग्रेजी में कहते हैं पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज का मतलब हो गया एक तरह से, जैसे स्थान से हम लोग यहाँ पर पोजीशन को मतलब माध्यिका को निर्धारित करते हैं। अगर आप मीन की बात करो, मीडियन की बात करो, मोड की बात करो, तीन के तीनों जो है एक प्रकार से सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यूज होते हैं, लेकिन सबके नेचर, सबके वर्किंग प्रोसेस जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे मीडियन मीन का आपने किया तो मीन में जो है आपने नोटिस किया था कि सबको जोड़ करके 2 से भाग करते, जैसे एवरेज में किया जाता है, सॉरी 2 से नहीं, सम पदों की संख्या से भाग करते हैं, तो वह एवरेज आपका एवरेज की तरह रिएक्ट करता है, बिहेव करता है। बट जब हम मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन का मतलब पोजीशन पर चीजें फिक्स हो जाती है। जैसे आपको लाइन में खड़ा कर दिया जाए एक प्रोसेस से, एक ग्रुप के हिसाब से, असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, तो अब जो है, या डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, अब उसमें से जो बीच में रहेगा वही मीडियन कहलाएगा। सबसे पहले मैं इसको आपको समझाऊं, इससे पहले देखिए कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। मान लो मेरे पास कुछ डेटा है, x1 है, x2 है, x3 है, सो ऑन, इस प्रकार से xn है, मेरे पास कुछ डेटा है,
और इन डेटा को सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, किसको ग्रुप्ड करना होगा, क्या करना होगा, ग्रुप्ड। ग्रुप्ड करने का मतलब होता है चाहे इसको आप बढ़ते क्रम में रखो, ठीक है, चाहे आप इसे बढ़ते क्रम में रखो, चाहे घटते क्रम में रखो, डेटा आपका हमेशा ग्रुप्ड रहेगा, तभी हम चलकर मीडियन फाइंड कर पाएंगे। बढ़ते क्रम में रखिए या तो घटते क्रम में, ठीक है। इसके पहले आपने समझ लिया क्या है, पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल मतलब आप पोजिशन के हिसाब से चीजों को, मतलब उसमें जो सेंट्रल वैल्यू है, मीन वैल्यू है, बीच की वैल्यू, उसको निर्धारित करते हैं। अब मेरे पास अगर डेटा है, डेटा को हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। ग्रुप करने के बाद हम लोग यहाँ पर इनके पदों की संख्या, मतलब पदों की संख्या को गिना जाएगा, पदों की संख्या को गिना जाएगा, अर्थात यन को चेक किया जाएगा। यन का इवन और यन का ऑड दोनों चीज हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। मतलब दो बातें हमको ध्यान देनी है, अगर हमें कभी मीडियन फाइन करना है तो सबसे पहली चीज तो हमें नोटिस करेंगे डेटा हमारा ग्रुप्ड है कि नहीं है, मतलब बढ़ते या घटते क्रम में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको हमें बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद हमें पदों की संख्या गिननी पड़ेगी। पदों की संख्या यदि इवन में है या ऑड में है तो उसको उसी के हिसाब से हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि फॉर इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल डेटा मतलब हमारे पास एक एक एकल डेटा के रूप में वैल्यूज हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले मीन को कैलकुलेट करते समय पढ़ा था, तो सबसे पहला काम देखिए आप स्टेप वन, इसको अगर हमारे पास जैसे मान लो डेटा मेरा एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते चले गए, और एक्स एन है। हमारा पहला स्टेप होगा मीडियन फाइंड करने के लिए। सबसे पहला स्टेप देखिए क्या रहेगा आपका, स्टेप वन, पहला स्टेप आपको लिखना होगा कि डेटा को, मतलब आंकड़ों को, आंकड़ों को बढ़ते बढ़ते या घटते घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। पहले पहला काम है कि आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखना है, ठीक है, पहला काम हो गया। स्टेप टू, स्टेप टू देखिए क्या होगा, अब चेक करो कि काउंट द पद, मतलब जो टर्म है उनको आपको गिनना है। यदि ध्यान से देखिएगा, हम सबसे पहले कह सकते हैं पदों को गिने, पदों को गिनना है, ठीक है, गिनना है और गिनकर यन फाइंड करना है। अब यहां पर हम लिखेंगे इफ, मतलब यदि यन क्या है, एक विषम संख्या है, यन एक विषम संख्या है। अब अगर यन विषम संख्या है तो मीडियन देखिए कैसे निकलेगा। अब दोनों का, दोनों तरह से मीडियन को निकालने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। यन अगर एक विषम संख्या है तो मीडियन यम इज इक्वल टू यन प्लस वन अपान टूथ वैल्यू, ये फार्मूला हो जाता है मीडियन का, यन प्लस वन अपान टूथ वैल्यू, मतलब जितना रहेगा उसमें एक जोड़ करके दो से भाग करके वह वैल्यू हम लोग निर्धारित कर लेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए इफ यन, यन क्या है, इफ मतलब यदि, यदि यन क्या है, एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, यदि यन एक सम संख्या है तो हम क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे। और मीडियन का फार्मूला देखिए क्या हो गया, यन बाई टूथ वैल्यू, यन बाई टूथ वैल्यू प्लस यन बाई टू प्लस वनथ वैल्यू, वनथ वैल्यू डिवाइड बाई टू, n by tooth value plus n by 2 plus 1th value divide by 2। इस तरह से हमारे पास देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था उस दिन पहले जब मैं क्लास ले रहा था, तो मैंने आपसे कहा था दो प्रकार से हम मीडियन सोचते हैं। जैसे मान लो हमारे पास पांच अंगुलियां हैं, तो पांचों अभी ऑड में, काउंटिंग देखिए ऑड है। अब अगर मुझे बीच का, बीच की फिंगर पता करनी है तो वही हमारा मीडियन होगा। तो चाहे इधर से आइए, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे, मतलब जैसे भी हो, दिस इज माई मिडिल फिंगर। ऐसे ही हमने कहा था कि अगर हम पांडवों की बात करते हैं तो पांच पांडव थे, तो पांच पांडवों में अगर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, अर्जुन को मीडियन मान लीजिए क्योंकि वह बीच में थे, दो इधर थे, दो इधर थे। ऑड की केस में दिखाना या निर्धारित करना इजी होता है, इवन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे रामायण की बात करिए, मैंने कहा था राम भगवान चार भाई थे, राम भगवान थे, भरत थे, लक्ष्मण थे, शत्रुघ्न थे। अब उसमें अगर हमें मीडियन निर्धारित करना है तो मीडियन निर्धारित करने का मतलब दो लोग बीच में जो है वो मीडियन में आएंगे, ठीक है। अब उनका एवरेज निकालोगे तो जाके आपको एग्जैक्टली मीडियन पता चलेगा। यहाँ पर मेरा कहना यही था कि
कि हमें सबसे पहले आंकड़ों को बढ़ते घटते क्रम में लिखना है, फिर हमें चेक करना है कि काउंटिंग करके बताना है कि पद कितने हैं। यदि पद विषम है तो उसका फार्मूला ए है, और पद अगर सम है तो उसका फार्मूला ए है। अब दोनों को नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से दोनों को क्लियर कर देते हैं। आइए एग्जाम्पल एक देखिए। एग्जाम्पल मतलब जैसे मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, आपको माध्यिका निकालनी है, 8 है, 7 है, 5 है, 2 है, 9 है, 3 है, 4 है, 8 है। इस तरह से हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, 8 की जगह हम 10 कर देते हैं। अब इनकी माध्यिका हमें निकालनी है। अब इनकी माध्यिका निकालने का मतलब सबसे पहले आप इसको किस में रख दो, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। अगर हम इनको बढ़ते क्रम में रखें तो बढ़ते क्रम में देखो कैसे होंगे। बढ़ते क्रम में होगा कि सबसे पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। चेक करो उतना ही है, 3 3 6 2 8 नहीं, 3 3 6 2 8 सही है। अब यहाँ पर हमको जैसे अब एक और बढ़ा लेते, पहले इवन ऑड वाला कर लेते फिर इवन वाला आपको दिखाते हैं। मान लो यह 15 होता, अगर यहीं पर एक 15 भी बढ़ा था तो यह जाहिर सी बात यहाँ पर भी एक 15 होता अंतिम। अब अगर मान लो हमें यहाँ पर मीडियन माध्यिका निकाली, तो मैंने चेक किया यानी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। 9 क्या होता है, ऑड होता है। ऑड के रूल क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन टूथ वैल्यू, n प्लस 1 अपॉन टूथ वैल्यू। तो n कितना है, 9 है, तो लिखेंगे 9 प्लस 1 बटा टूथ वैल्यू अर्थात 10 बटा 2 अर्थात फिफ्थ वैल्यू। पांचवा मान जो होगा वही माध्यिका होगा, तो पहला मान, दूसरा मान, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो माध्यिका क्या हो जाएगी, 7। माध्यिका क्या हो गई, 7। तो पांचवी वैल्यू हमारी माध्यिका। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है, जैसे डेटा भी ज्यादा हो तो हमने जैसे क्या किया, सबसे पहले बढ़ते क्रम में पूरा लिखा आपने, फिर हमने क्या किया कि फार्मूला अप्लाई किया, n प्लस 1 अपॉन टूथ वैल्यू डिवाइडेड बाई n प्लस 1 अपॉन टूथ वैल्यू, और वही हमारी माध्यिका हो गई। अगर हमको जैसे माध्यिका एग्जाम में हल करनी इस तरह के डेटा के लिए, तो हमें जरूरी नहीं कि पूरा पहले देखो, ये आपको ना ये जो सिलेक्शन होता है इट्स वेरी टफ, इजी मत समझिए, वहां से ढूंढ ढूंढ के निकालना, छोटे से बड़ा करना ना, तो कंफ्यूजन होता है। हमको क्या करना चाहिए, जैसे कि हमें जब प्रश्न देखा तो मैं पहले ही मुझे काउंट, हम लोगों ने स्टेप में जो लिखा है कि आपको पहले बढ़ते घटते क्रम में, नहीं मैं आपको कहूंगा पहले बढ़ते घटते क्रम में स्कूल में लिखवाया जाता था, जब स्कूल में आप माध्यिका पढ़ते तो उस समय होता था। अभी आपको सबसे पहले बढ़ता घटता क्रम नहीं, पहले गिनना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एन बराबर आपने देखा 9 है, हम समझ गए कि माध्यिका अगर हम लोग एऑड है तो 9 प्लस 1 बटा 2 अर्थात पांचवी वैल्यू होगी। तो मुझे कुल मिला के छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना है और पांचवी वैल्यू तक ही जाना है, पूरा नहीं जाना है। तो छोटे से बड़ा मतलब सबसे पहला देखो 1 हो गया, ये पहला हो गया। देखिए पांचवी वैल्यू आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, 4 नंबर और 5 नंबर, यही हमारी माध्यिका है। अब हमको यही लेना है, बाकी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से करें, ये ज्यादा अच्छा होता है। आपको जैसे केवल पहले गिनना चाहिए, बल्कि ये कि ये ना करके कि पहले हम इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखें, नहीं, पहले गिन लो कितने हैं टोटल। हमने देखा कि 9 है, 9 प्लस 1 10 बटा 2 मतलब पांचवा तक ढूंढना है, और पांचवा पहुंचने के लिए हम लोग इस तरह से प्रोसेस कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर एक देखिए एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया, हमको माध्यिका फाइंड करनी, 8 7 5 1 4 3 2 9 10 15, ठीक है। अब देखिए आपके पास आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं, हमको इसकी क्या निकालनी, माध्यिका। अगर हम प्रोसेस से करते हैं तो प्रोसेस से मतलब सबसे पहले इसको हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में देखिए आप सबसे पहले किसको पाएंगे, छोटे को, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, 1 है, 1 के बाद कहीं 2 है, हाँ 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है और 15 भी है। चेक करो बराबर लिखा हूं मैं, 3 3 6 3 9 करेक्ट है। यन क्या है बताइए, 10 है, यन क्या है, 10 है। मैंने देखा कि यन 10 है, 10 मतलब इवन है, 10 इवन है। तो अब रूल क्या कहता है हमारा, रूल हमारा इवन के लिए कहता है कि 10 by 2 plus 1th divide by 2। अब देखो इतना हम तामझाम ना करेंगे भाई, डायरेक्ट बताएंगे, प्रोसेस तो लिखना ही पड़ेगा, मुझे बताना ही पड़ेगा। 10 बाई 2 मतलब फिफ्थ मतलब पांचवी वैल्यू, प्लस 5 प्लस 1 मतलब 6th छठी वैल्यू,
डिवाइड बाई टू, पांचवी प्लस छठी डिवाइड बाई टू, पांचवी कौन है, एक दो तीन चार पांच, पांचवी है और छठी कौन है, हम लिखेंगे पांच प्लस सात बटा दो, पांच सात बारह बटा दो मतलब क्या हो जाएगा माध्यिका छः। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो रहा है, पांचवी वैल्यू प्लस छठी वैल्यू, छः तो था नहीं ना उसमें, तो पांच प्लस सात बारह बटा दो करेंगे तो छः इसकी माध्यिका हो जाएगी। मतलब दो वैल्यू आपके बीच में है और किनारे किनारे जो लिखा हुआ है चार इस साइड में, चार इस साइड में, और ये दो माध्यिका, इनका एवरेज निकालो, तो एवरेज निकालने मतलब दो को, दोनों को जोड़ करके दो से भाग कर दीजिए तो माध्यिका हमको पता चल जाएगी। अब इसको भी उसी तरह सोच सकते थे, मतलब हमें जब ऐसे प्रश्न को करना था तो आपको जैसे पहले मैंने कहा कि आप बढ़ते क्रम में लिखो मत लिखिए, पहले गिन ही लीजिए क्या है, हमने देखा गिना तो दस आए, गिना तो दस आया तो मेरे दिमाग में आ गया कि दस बटा दो पांच होगा, पांच एक छः, मतलब पांचवी वैल्यू सोचनी है और छठी वैल्यू सोचनी है। अब आप समझिए इसको, हाँ बिल्कुल ऐसे देखिए, जब जब इंडिविजुअल किया जाएगा तो कुछ लिमिटेड ही टर्म रहेंगे। मैंने कहा कि आपके पास जैसे अगर n बराबर 10 है तो हमको क्या करना है, 10 बटा 2 मतलब पांचवी, और 10 बटा 2 पांचवी, और फिर हम लोग 5 प्लस 1 कर दे छठवीं। तो अब यहाँ पर जैसे पांचवा प्लस छठा, तो आपको स्टार्टिंग से ही पांचवा ढूंढना था, तो पहला हो गया मान लो, पहला हो गया ठीक है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। तो सबसे पहले पांच लीजिए, छठा लीजिए, तो पांच और सात डिवाइड बाई दो डायरेक्ट कर देते तो हमारा उत्तर आ जाता, तो इस तरह से हम कर सकते थे ठीक है। तो माध्यिका निकालने का तरीका आपको आई होप सबको समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगा, सेम नंबर सही बात है। तो आगे बढ़ता हूँ, हाँ प्लेस चेंज होगा बिल्कुल, और क्या है, एक जगह रिपीट थोड़ी कर पाएंगे प्रिया जी। तो आपको इस तरह की बातें कन्फर्म हो गई। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और डिस्क्रीट डेटा के लिए हम लोग यहाँ पर मीडियन फाइंड करने जा रहे हैं। हम लिखते हैं मीडियन, मीडियन फॉर डिस्क्रीट डेटा, ये पूछा जाता बहुत, डिस्क्रीट डेटा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रीट डेटा का मतलब आप समझ गए होंगे, डेटा आपके साथ विद फ्रीक्वेंसी रहता है, मतलब कुछ ऐसे रहता है, ऐसे यहां पर आपके सामने मान लो ऐसे रहेगा, x रहेगा, f रहेगा, x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, एंड सो ऑन xn होगा, f1 होगा, f2 होगा, f3 होगा, सो ऑन fn होगा, इस तरह के डेटा रहेंगे। तो देखिए अब हमारे पास इस तरह का अगर डेटा है और हमें इसका मीडियन फाइंड करना है, इसका मीडियन फाइंड करने का प्रोसेस तरीका आप सब समझ लो, इसमें कुछ अलग से हमें कुछ नहीं परफॉर्म करना है, बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। जो प्रोसेस, जो तरीका मैंने बताया है, अच्छा इसको समझना है ना तो सीधा एग्जाम्पल से समझिए, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम ज्यादा क्लियर आपको बता पाएंगे ठीक है। इसमें एक काम हमें नया करना पड़ेगा, हमें एलसीएफ फाइंड करना पड़ेगा, और एलसीएफ एलसीएफ सब कुछ तभी अच्छा समझ में आएगा जब आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसको समझाऊंगा। देखिए एक क्वेश्चन को लेता हूं मैं एग्जाम्पल की तरह, और वही पर मैं आपको, जैसे मान लो मैंने आपको एक डेटा दिया, ये देखिए ध्यान से मैं आपको एक डेटा दे रहा हूं, और चलिए हम लोग माध्यिका निकालते हैं। डेटा लिया आप लोगों ने, मान लो एक्स है जो मार्क्स है और फिर फ्रीक्वेंसी, मान लो यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी है, हमने कहा कि पांच नंबर पाने वाले स्कूल में दस बच्चे थे, बारह नंबर पाने वाले या दस नंबर पाने वाले, या ऐसे लिखता हूँ कि ये कोई टेस्ट हुआ था पांच नंबर का, जीरो नंबर पाने वाले दस नंबर बच्चे थे, एक नंबर पाने वाले कुल पंद्रह बच्चे थे, दो नंबर पाने वाले मान लीजिए कि बीस बच्चे थे ठीक है, तीन नंबर पाने वाले कुल पंद्रह बच्चे थे, चार नंबर पाने वाले कुल कितना हो गया अपन, तीस 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 साठ, चार नंबर पाने वाले कुल तीस बच्चे थे, और पांच नंबर पाने वाले कुल दस बच्चे थे। हमने कुल सौ बच्चों का आंकड़ा यहाँ पर प्रेजेंट किया, हमें यहाँ पर माध्यिका निकालनी है, क्या निकालनी है, माध्यिका, मेरी बात को सुनिए, मुझे एकदम बर्बल करना है, कोई फार्मूला वाला मत सोचिए, पहले तो आप इसको दिमाग में सेट करिए होता क्या है। मैंने एक टेस्ट लिया अपने स्कूल में सौ बच्चों का, सौ का है टोटल, आप आंकड़ा देख लो, पंद्रह पंद्रह तीस तीस साठ, साठ तीस नब्बे दस सौ, सौ बच्चों का लेन देन है, हिसाब किताब है। मैंने कहा सौ बच्चे हैं बैठे किसी ग्राउंड में और टेस्ट हो रहा है, टेस्ट हो गया, पांच नंबर का टेस्ट हुआ था क्योंकि पांच प्रश्न मैंने दिया था, मुझे पता है कि मैक्सिमम पांच नंबर मिलेगा, मिनिमम जीरो मिलेगा। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, अब लाइन लगाओ तुम लोग, कैसे लाइन लगाना है, सबसे पहले जीरो वाले आ जाएं, तो जीरो वाले खड़े हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, कितने लोग, दस लोग जीरो वाले खड़े हो गए। हमने कहा अभी एक नंबर वाले खड़े हो जाओ सब लोग, एक नंबर वाले सब खड़े होने शुरू हो गए, कितने बच्चे थे, पंद्रह, तो कुल हो गए पच्चीस।
फिर मैंने कहा दो वाले जाओ पीछे, सब दो वाले भी पहुंच गए, कितने लोग थे कुल 20, उनके पीछे खड़े हो गए। मैंने कहा तीन वाले खड़े हो जाओ, तीन वाले, तीन नंबर पाने वाले सब खड़े। इस तरह से अंतिम जो है 100 बच्चों को हमने खड़ा कर दिया, नंबर के हिसाब से मैंने खड़ा किया। ठीक है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग यही होता है, आप नंबर के हिसाब से 100 को खड़ा कर दीजिए। और फिर मैं कहूँ अब इनमें से जो बीच में है वो निकल कर बाहर आए, अब जो बीच में है वो निकल करके बाहर आया वही माध्यिका है, मतलब उस माध्यिका को उस अंक के हिसाब से बताना है आपको कि कौन है। अब मैं समझाता हूँ आपको, देखिए कैसे होगा इसकी वर्किंग। देखिए हमें इसको क्लास में, हमें एग्जाम में करना है तो कैसे परफॉर्म करना है, इसका सलूशन समझिए आप। वही मतलब आपने सोच लिया ना, समझ लिया होगा सब लोगों ने, हंसी है लाइन में सब खड़े हैं, जो बीच में है, जो बीच में है और जितना नंबर पाया है वही उसकी माध्यिका है। जो बीच में है बच्चा और वही मतलब उन 100 में वही उसकी माध्यिका, मतलब उसका नंबर ही माध्यिका है इस क्लास की। अब आप देखो कि आपके पास ये मार्क्स था, सलूशन देखिए इसका, और उनका क्या है, उनका जो है फ्रीक्वेंसी है। अब देखो 0 नंबर पाने वाले, 1 नंबर पाने वाले, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, और एक लोग थोड़ा सा और भी बढ़ा लेते हैं, और फाइनली 5 है। इसका प्रोसेस ना क्वेश्चन से ही समझ में आता ज्यादा अच्छे से। अब एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था सीएफ, आपको याद है सीएफ, सीएफ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सब निकाल सकते हैं कि नहीं। अब आप डेटा भरिए, पहले तो बिथ फ्रीक्वेंसी लिखिए, फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 10 है। क्लास अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, ये देखिए ऐसे हमने बना दिया। यन कितना है बताइए, यन मतलब समा फ्रीक्वेंसी, बच्चे कुल कितने हैं 100, 100, ठीक है, बच्चे कुल कितने हैं 100। अब आप यहाँ पर एलसीएफ निकालो, एलसीएफ मतलब जब हम लाइन लगाएंगे, खड़ा करेंगे लाइन, तो कहा जाएगा 0 नंबर तक के सारे बच्चे 10 हैं टोटल, तो जब एक नंबर भी इन्वॉल्व हो जाएगा बच्चों की संख्या 25 हो जाएगी। देखिए 10 में 15 जोड़िए 25, जब दो नंबर भी इन्वॉल्व हो जाएगा बच्चों की संख्या 45 हो जाएगी, जब तीन नंबर भी इन्वॉल्व हो जाएगा तो बच्चों की संख्या 60 हो जाएगी, जब चार नंबर भी इन्वॉल्व होगा तो बच्चों की संख्या 90, और अंतिम में जब कंप्लीट हो गया तो बच्चों की संख्या 100, क्या हो गई 100। अब हमने देखा यन क्या था भैया, 100 था। आपको क्या निकालना है, माध्यिका, मीडियन। तो मीडियन क्या फार्मूला होता है, जब यन इवन होता है, हालांकि अब यहाँ पर आप इवन का रूल ना भी लगाओगे, माध्यिका मतलब बीच में, तो भी उत्तर वही आएगा, चाहे आप फार्मूला लगा दो तो भी उत्तर वही आएगा। मैं करके दिखाता हूँ, मुझे यहाँ पर अगर इस तरह से जितने ज्यादा डेटे मिल जाते हैं ना, मैं सीधा लिखता हूँ n बाई टूथ वैल्यू, जो बीच में है मतलब n बाई टूथ वैल्यू, अर्थात 100 बटा 2 मतलब 50वीं वैल्यू, 50th वैल्यू। जो 50th, हालांकि ये मिड में नहीं है, लेकिन हमने कहा चलो जो 50th वैल्यू है उसी को हम माध्यिका मान ले रहे हैं। तो देखो 0 से 10 तक की वैल्यू तो यही अकेला है, 0 से 10 तक की वैल्यू तो यही है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब 10 से मतलब अगर सोचो कि अगली जो है वैल्यू, अगर हम सोचे यहाँ पर 0 से 10 तक तो ये है, फिर 10 से 25 तक की वैल्यू ए है, 25 से 45 तक की वैल्यू ए है, और 45 से 60 मतलब वह बच्चा जो 50वें स्थान पर होगा इस ग्रुप में होगा कि नहीं होगा, वह बच्चा जो 50वें स्थान पर होगा, क्योंकि 45 तक तो इस ग्रुप में रहेंगे, 45 के बाद जो 60वें नंबर पर होगा इस ग्रुप में होगा, क्या होगा, इस ग्रुप में होगा, और यह ग्रुप कौन है, 3। मतलब उस बच्चे को जब खड़ा किया जाएगा, जो मीडियन है, पूछा जाएगा भैया कितने नंबर तुमको मिले, तो कहेगा सर मुझे 3 नंबर मिले हैं। कितने मिले हैं, 3 नंबर। तो हमारी मीडियन क्या हो गई इस प्रश्न में बताइए, हमारी 50th वैल्यू, 50वीं वैल्यू कितना नंबर पाई है, 50वीं वैल्यू 3 नंबर पाई है, यही हमारी मीडियन, यही हमारी माध्यिका है। तो 50th वैल्यू क्या हो गई, मीडियन, और वह हो गई 3 नंबर, क्लियर है। अब जो है दूसरी बात आप समझो, यहाँ पर हम इसको, जैसे अगर आपके दिमाग में चल रहा हो सर ये तो इवन है, आपने n बाई टू कर दिया, नियमता जो फार्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, नियमता जो फार्मूला होता है वो ऑड वाला ही होता है, अर्थात n प्लस 1 अपान जो है 2 होता है, जबकि इवन के लिए क्या रूल होता है बताओ, इवन के लिए जो रूल होता है n बाई टूथ वैल्यू, n बाई टूथ वैल्यू प्लस n बाई टू प्लस 1th वैल्यू ना, डिवाइड बाई 2 होता है। अब n बाई टूथ वैल्यू क्या होती है मुझे बताइए, जैसे 100 था तो 100 बटा 2 करिए 50वीं वैल्यू, 50वीं वैल्यू प्लस 91वीं वैल्यू बटा 2, 50वीं वैल्यू प्लस 91वीं वैल्यू बटा 2। अब आप मुझे एक बात बताओ कि 50वीं वैल्यू भी इसी में होगी
और 51वीं वैल्यू भाई 45 के ऊपर 60 तक सर वैल्यू इसी में है कि नहीं है, तो 50वीं वैल्यू 3 है और 91वीं वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 3 6 बटा 2 करोगे तब भी 3 आएगा, दोनों 3 ही होगी, 50वीं भी होगी 3 और 51वीं, मतलब वो लड़का जो 50 पोजीशन पर खड़ा था वो भी 3 नंबर पाया था, जो 51 नंबर पे खड़ा था वो भी 3 पाया था, तो 3 प्लस 3 6 बटा 2 करिए तब भी उत्तर आएगा। इसलिए मैंने कहा ना, इसके लिए बहुत सोचने घबराने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट बताया जा सकता है। कितने लोग समझ पाए हैं मुझे थोड़ा एक बार हाथ मत उठाए, ऐसे बता दे क्लियर, हाँ सही है, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता दो जल्दी से। एक एग्जांपल मैं और करके दिखाता हूँ आप लोगों को, क्लियर ना। चलिए एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन आप लीजिए, आप फटाफट सब लोग कर दो। मेरे पास एक डेटा है, ये आता है बहुत एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको ज्यादा, ठीक है, ये आता है, पूछा जाता है। यहाँ पर आपके पास ऑब्जर्वेशन है, साथ साथ फ्रीक्वेंसी है, और कुछ हमारे पास यहाँ पर आंकड़े हैं। देखो मैंने लिखा 10, 20, 30, 40 और 50, ये आंकड़े हैं, 5, 7, 8, 9, 6, ये आंकड़े हैं। चलिए मुझे मीडियन बताइए आप लोग, मीडियन कितने लोग कमेंट करके बता सकते हैं आप, देखो फटाफट बताइए। हालांकि कुछ लोग अगर चाहेंगे तो बिना किसी पेन कॉपी के भी उसका उत्तर बता सकते हैं। सोल्यूशन देखिए, लिखो x, फिर लिखो y, x है 10, 20, 30, 40 और 50, 5, 7, 8, 9, 6, cf बताओ क्या होगा, cf ना 5 ही होगा, 12 होगा, 20 होगा, 29 होगा, 29 से 35 होगा, क्या मैं सही हूँ गलत हूँ या कोई कंफ्यूजन किसी के मन में, एक बार बताओ हमें सब लोग, कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में। यहाँ पे यन कितना हो गया, कुल 35, हाँ ऑड है, यन बराबर क्या है, यन हमारा 35 है जो कि ऑड है, तो ऑड वाला नियम तो परफेक्ट होता है, वही लगता ही लगता है हर जगह पे, तो मीडियन हो जाएगा माध्यिका 35 प्लस 1, रूल क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 35 प्लस 1 बटा 2 मतलब 36 बटा 2, 18वीं वैल्यू, 18th वैल्यू जो जिसमें होगी वही माध्यिका है, तो 0 से 5 तक तो 10 है, 5 से 12 तक तो 20 है, और 20 से आगे देखिएगा 30 तक, अगर सोचा जाए 12 के बाद 20 तक सभी वैल्यू क्या है, वो 30 है, 12 के बाद 20 तक की सभी वैल्यू 30 है, और हमें क्या चाहिए, 18वां चाहिए। अब फ्रिक्वेंसी मत लिया करिए, 8 क्यों बता रहे हो रोली जी, बारंबारता को थोड़ी बता देंगे को माध्यिका हमारी, फ्रीक्वेंसी 30 होगा, आप लोग कैसे कहां चले गए दुनिया, किस दुनिया में, माध्यिका 30 होगा, बारंबारता को थोड़ी माध्यिका बता दिया जाएगा, बारंबारता तो रिपीटिशन को बताता है, मान तो 30 है ना, 30 कितनी बार रिपीटेड है ये हम लोग को समझना है। तो हमने देखा कि हमारा जो डेटा है वो 18वें स्थान पर है, हमारा डेटा किस स्थान पर, 18वें स्थान पर है, तो 18वें स्थान पर गए तो मान देखा क्या है बताओ, 30 था, ठीक, उत्तर क्या हो गया बताइए, 30 हो गया, एकदम सही है ना, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर हो गई बातें। चलिए तो 30 यहाँ पर राइट सोल्यूशन है, इस प्रश्न का हल है, आप लोग फटाफट नोट कर लो, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज करने चल रहे हैं, मीडियन फॉर कंटिन्यूअस डेटा, कंटिन्यूअस डेटा मतलब सतत डेटा की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे डेटा सतत, इस प्रकार की डेटा किसका फार्मूला मैं लिखवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं इसका एक एग्जांपल भी करके दिखा देता हूँ, अभी सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसके फार्मूले को मैं लिखूंगा ना, थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन रहेगी, करते समय बहुत आसानी समझ में आएगा। क्लास इंटरवल होगा, ठीक है, F1, X1, देखो लिखा कैसे जाता है इसको, x0 से x1, x1 से x2, ऐसे सो ऑन बढ़ते चले गए, लिखेंगे xn माइनस 1 से xn, f1 f2 सो ऑन fn, डेटा ऐसे रहता है। तो माध्यिका निकाली कैसे जाती है, मीडियन, इसका फार्मूला समझिए, EL0, अभी इस फार्मूले को थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा मैं, पहले फार्मूला नोट कर लो, प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ पी, मैंने लिखा सी एफ पी, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, सी एफ पी
डिवाइड बाई एफ एन लिखो, एन इंटू वाई, सॉरी नॉट एन, दिस इज एफ, फार्मूला ये हो गया। अब इस फार्मूले का डेरिवेशन समझिए, इस फार्मूले की व्याख्या समझो क्या क्या है इसमें। देखिए अलग अलग शब्द बनकर आ गए हैं, उन शब्दों को जब समझेंगे तभी हम कर पाएंगे। एल जीरो क्या है? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास अंग्रेजी में लिख रहा हूं लेकिन इतनी समस्या नहीं आएगी, मैं क्लियर कर दूंगा तो अभी सब कंफर्म हो जाएगा। एन बाई टू तो आप समझ ही रहे हैं क्या होगा। एन क्या है बताइए? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे अभी हम कर रहे थे तो जुड़कर देखो कभी 100 आ रहा था कभी 35 आ रहा था, तो एन होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सी एफ पी क्या है? सी एफ पी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं हम लोग? संचयी बारंबारता, इसको हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिख दूं कि अंग्रेजी में, चलिए हिंदी में लिख देता हूं, अंग्रेजी में लिख देता हूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर हिंदी में समझा देता हूं, आप क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द, प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। एफ क्या है? यहां पर एफ भी लिखा है, एफ भी लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अभी हिंदी में सब समझाता हूं, घबराना मत बिल्कुल। आई विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, और ये ज्यादा तब समझ में आएगा जब इसका हम क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे तो चलो कम ज्यादा जो भी आएगा आएगा। देखो एक शब्द यहां पर नया बनकर आ रहा है, वो है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास को हम क्या कहते हैं? माध्यिका कक्षा, माध्यिका अंतराल, वह अंतराल जिसमें माध्यिका है, इसको निकालना बहुत टफ है, टफ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है। माध्यिका कक्षा को निर्धारित करना सबसे इंपॉर्टेंट है, माध्यिका कक्षा को निर्धारित करना, डिसाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग सबसे पहले माध्यिका कक्षा निर्धारित करते हैं, हाँ ठीक है, सबसे पहले माध्यिका कक्षा को निर्धारित करते हैं हम, उसके बाद क्या करते हैं? उसकी लोअर लिमिट लेते हैं, निम्न सीमा लेते हैं, क्योंकि वो क्लास इंटरवल होता है, निम्न सीमा लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं, सभी बारंबारताओं को जोड़ते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जिस क्लास में, जिस क्लास को आप मीडियन क्लास कह रहे हैं, जिसको आप माध्यिका कक्षा कह रहे हैं, उसके जस्ट बिफोर वाली कक्षा की जो बात संचयी बारंबारता होगी उसे सीएफपी से लिखा जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो आपकी माध्यिका कक्षा है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी बारंबारता क्या है और उसकी विड्थ क्या है, विड्थ मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एग्जाम्पल से देखोगे तो सब समझ में आएगा, हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, निम्न सीमा है माध्यिका कक्षा की, माध्यिका कक्षा की निम्न सीमा को एल नॉट एल जीरो कहेंगे, सभी बारंबारताओं का जोड़ एन कहलाएगा, संचयी बारंबारता किसकी? माध्यिका कक्षा के पहले की कक्षा की संचयी, पहले मतलब उसके जस्ट बिफोर वाली कक्षा की संचयी बारंबारता, माध्यिका कक्षा की बारंबारता एफ कहलाएगी, बिर्थ क्लास इंटरवल का बिर्थ जो गैप होता है कक्षा के बीच में, अंतराल जिसको कहते हैं वर्ग अंतराल, वह आपका ये आई कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल देखो, फार्मूला तो चलो आपने लिख लिया, एग्जाम्पल अगर आप लोग इजाजत दो तो मैं कराऊं, एग्जाम्पल अगर कंफर्म है तो मैं कराऊं, जल्दी से बता दें। हाँ देखिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे किया जाएगा, बहुत इजी है लेकिन समझने की जरूरत है। क्लास इंटरवल ले लीजिए, फ्रिक्वेंसी ले लीजिए, जीरो से दस, दस से बीस, बीस से तीस, तीस से चालीस, चालीस से पचास, बारंबारता लीजिए आठ, सात, दस, पंद्रह, पच्चीस, ये आपकी बारंबारता है। आइए इनकी हमें से कहा गया कि माध्यिका बताओ इसकी क्या होगी, मीडियन, मैं निकाल के आपको बताता हूं। सोल्यूशन देखिए, जो जो इसके फार्मूले में रिक्वायर्ड है, जैसे फार्मूला क्या आपने लिखाया था मैंने, एल जीरो प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ पी डिवाइड बाई एफ
इंटू आई। देखिए फार्मूले के हिसाब से मैं सारी चीजें लाऊंगा, आप सुनिए कैसे आ रहा है। यहाँ लिखिए क्लास इंटरवल, लिखना इतना ज्यादा मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए फ्रीक्वेंसी। अब आप देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 30 to 40 और 40 to 50। सुनिए फ्रीक्वेंसी क्या है बताओ, 8, 7, 10, 15 और 25। आइए सबसे पहले आप निकाल दो सीएफ, सीएफ को बार बार निकालना पड़ेगा यहाँ पर ऐसे के लिए। संचयी बारंबारता का उपयोग किया जाता है माध्यिका को ज्ञात करने के लिए, पूछा जाता है इस प्रश्न को। 8, 8 ही रहेगा, 8, 7, 15 हो जाएगा, 15, 10, 25 हो जाएगा, 25, 15, 40 हो जाएगा और 40, 20 फिर से देखो 8, 7, 15 ठीक है, 8, 7, 8 हो गया, 8, 7, 15, 15, 10, 25, 25, 15, 40, 25, 65, एन बराबर क्या हो गया भाई 65, एन बराबर 65। एक काम सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, आपको अपनी माध्यिका कक्षा निर्धारित करनी पड़ेगी। हमारा एन क्या आया 65। अगर हम माध्यिका कक्षा निर्धारित करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 65 + 1/2 मतलब 66/2 अर्थात 33rd वैल्यू, जिसमें 33rd वैल्यू होगी वही हमारी माध्यिका कक्षा होगी। 33वीं वैल्यू 65 + 1/66/2 33वीं वैल्यू जिसमें होगी वही माध्यिका कक्षा। बताइए आप लोग 33वीं वैल्यू किस क्लास में है, 0 से लेकर 8 तक तो इसमें है, 8 से लेकर 15 तक इसमें है, 15 से लेकर 25 तक इसमें है और 25 से लेकर 40 तक इसमें है, तो 33वीं वैल्यू हमारी इसमें होगी। ये देखिए 33वीं वैल्यू हमारी 30 से 40 वाली कक्षा में होगी, ठीक है। यही हमारी माध्यिका कक्षा, दिस इज आर मीडियन क्लास, यही हमारी मीडियन क्लास है। अब हमारी मीडियन क्लास हमको मिल गई है, अब बाकी काम हम आसानी से देखिए फटाफट कर डालेंगे। कैसे, सबसे पहले कहा इसने इसका एल जीरो बताओ क्या है, इसका एल जीरो कितना है 30 है। इसने कहा एन बाई टू लिखो, हमने कहा भैया 65/2 लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है। इसके पहले की सी एफ पी मतलब इसके पहले की संचयी बारंबारता कितनी है 25 है, बटा इसकी बारंबारता क्या है 15 है, इसकी बारंबारता क्या है 15 है, गुणे विड्थ क्या है बताओ 30 से 40 का गैप कितने का है 10 का है। यही हल कर डाली उत्तर आ जाएगा ना, देखो 30 लिखो, अब इसको मैं हल करके दिखाता हूँ, 65 और 50 घटेगा 15/2 होगा, 2 ही नहीं होगा, 2 × 15 हो जाएगा, नीचे 15 है गुणे 10, 15, 15 से कटा, 2 × 5 = 10 होता है, 30, 5, 35 हमारी माध्यिका क्या हो गई 35 उत्तर। कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, बहुत आसान होता है, केवल हम फार्मूले पर अगर याद है कमांड है, और जो इसके प्रश्न है मैं आपको बताऊंगा कैसे पूछा जाएगा, लेकिन फार्मूला आप लोग तैयार कर लीजिए। कितने लोग कुछ हद तक समझ पाए और कितने लोग रिवीजन से समझ पाएंगे। लिखा है एल जीरो मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास हमारी आपकी कौन है ये वाली है, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 30, तो इसलिए मैंने लिखा 30 ठीक। एन बाई टू, एन कितना था 65, 65/2 माइनस सी एफ पी इसके पहले की कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी 25 लिखा ना, देखो इसके पहले की कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी क्या है 25 बटा इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 15, इसकी विड्थ कितनी है 30 और 40 का गैप कितना है 10। एक बार आपको मन लगा के इसको समझना होगा तभी क्लियर होगा। आप लोग एक बार नोटिस करिए, समझिए, कंफर्म हो जाए तो मुझे बताइएगा, और मुझे लग रहा है कि अगर ध्यान से देखेंगे नोटिस करेंगे तो आ जाएगा। अब जैसे अगला भी प्रोसेस सीख ही लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे टर्म है। हालांकि अगर हम इसको एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं जो मीडियन वाला अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से, जैसे मान लो देखो अभी हम लोगों ने मीडियन वाला प्रश्न किया था जिसमें एक डेटा था, देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 आपका जो मीडियन आया था वो कितना आया था 35 आया था ना। मैं आपको दिखाता हूँ आपके सामने, देखिए एक डेटा था, इसको आप समझिए आप सभी लोग, मैं बताना चाहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर देखिए मीडियन के लिए हमारे पास एक डेटा आया कि आपसे कहा गया कि आप मीडियन कैलकुलेट करो। डेटा कुछ ऐसा था जो कल हम लोगों ने किया था, आपको याद भी होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर टर्म होगी इन्वॉल्व होंगी। हमारे पास क्लास इंटरवल था, क्लास इंटरवल था और फ्रीक्वेंसी थी ठीक है, और 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और लास्ट था देखो 40 से 50, यही था ना।
40 से 50। फ्रीक्वेंसी क्या क्या थी बताइए, फ्रीक्वेंसी इनकी थी 8, 7, 10, 15, 25, 8, 7, 10, 15, 25, 8, 7, 10, 15 और 25, ये फ्रीक्वेंसी थी। मैंने आप लोगों से कहा था मीडियन निकालो, ठीक है। मीडियन के लिए जो है, मीडियन के लिए एक फार्मूला बना था, क्या बना था बताइए, मीडियन के लिए फार्मूला बना था इसका, एल जीरो प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ पी डिवाइड बाई एफ इंटू आई, ये फार्मूला बनकर आया था और इससे आप लोगों ने मीडियन कैलकुलेट किया था। आप लोगों ने देखा होगा जैसे मैंने कभी आपको डीआई पढ़ाया या कभी, तो हमने डेटा को प्रेजेंट किया था बार ग्राफ में, टेबल में, ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। जब आप इसका मीडियन करते थे तो कैसे करते थे बताइए, आपको एलसीएफ निकालना पड़ता था, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके सोल्यूशन की बात अगर समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर नीचे मैं नोट्स भी लिखवाऊंगा लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा मेरे पास क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी है जीरो से दस, देखो क्लास इंटरवल, दस से बीस, बीस से तीस, तीस से चालीस, चालीस से पचास, इस तरह से हमारे पास क्लास इंटरवल है। और इनकी फ्रीक्वेंसीज देखिए क्या क्या दिया है, आठ है, सात है, दस है, ठीक है, पंद्रह है और पच्चीस है। ELCF अर्थात हम CF निकालते थे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कैसे निकलती थी बताइए, आठ का आठ होता था, आठ सात पंद्रह होता था, पंद्रह दस पच्चीस होता था, पच्चीस पंद्रह चालीस होता था, चालीस पैंसठ हो जाता था, एन का मान आपका कितना आया था पैंसठ, अर्थात जुड़ करके पैंसठ हुआ था। इसका उपयोग हमने कराया था उस फार्मूले में और आप लोगों ने मीडियन को निकाला भी था, ठीक है, कितना आया था 35 आ गया था मीडियन में। हमारे सामने इस डेटा को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओजाइब, क्या कहते हैं ओजाइब, सॉरी बेसिकली लिखा ऐसे जाता है जड़ नहीं, ओगिब, ऐसे लिखा जाता है ओगिब की तरह, अक्सर लोग इसको ओगिब बोलते हैं, बोलते नहीं, आप गूगल से भी प्रोनाउंसिएशन इसका देखेंगे तो ओजाइब ही बोला जाता है। ओजाइब हिंदी में जैसे आपके पेपर में ऐसे लिखा जाएगा, ओ जाइब, ऐसे आप लोग देखिए ध्यान से, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है जिसमें हम डेटा को फिगर के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं। हम चाहे तो मीडियन या पोजिशनल कोई भी एवरेज हम उस ओजाइब की मदद से निकाल सकते हैं। किसकी मदद से? ओजाइब की मदद से। अब इस ओजाइब की मदद से हम लोग इस डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं और किसी भी पोजिशनल एवरेज को निकाल सकते हैं। फार्मूला बोल दो, फार्मूला देखो लिखा हुआ है, एल जीरो प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ पी अपान एफ इंटू आई, कल मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था रोहित पूरे फार्मूले को। ओजाइब में करते क्या है ध्यान से देखिए, हम इस डेटा को कैसे ओजाइब की मदद से प्रेजेंट कर लेते हैं। आप देखिए प्रेजेंट ऐसे किया जाता है, आप ऐसे बना लो, ठीक है, ऐसे बना लो। आप देखिए, आप सबसे बड़ी जो वैल्यू देखो, जैसे अगर आपको प्रेजेंट करना है इसको तो ये देखिए, या देखो इसका उपयोग होगा कैसे, इसका उपयोग कुछ ऐसे होता है कि आपको फिगर बना के दे दे और आपसे कहेगा कि जो है इसकी मदद से जो है आप निकालो, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मीडियन फाइंड करो क्या होगा। मतलब ये फिगर ऐसे बना बना एग्जाम में आ जाए छोटा सा करके, और जो है हमसे क्या करे कि हमसे पूछे कि इसका जो है इसकी मदद से हमें मीडियन निकालो, या आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में किस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से मीडियन ज्ञात किया जाता है, बार ग्राफ, टेबल ग्राफ, पाई चार्ट, और फाइनली उसने लिख दिया जो है, फाइनली क्या लिख दिया, ओजाइब। तो आपको किसकी मदद से निकाल पाएंगे, आप लोग किसकी मदद से निकाल पाएंगे जो है मीडियन बताइए, ओजाइब की मदद से। तो ओजाइब एक फिगर है, जैसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि ओजाइब की मदद से हम किसी भी पोजिशनल एवरेज अर्थात मीडियन को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ओजाइब बनता कैसे है, तो ओजाइब बनने के लिए जैसे हमारे पास ये टेबल दी गई है जिसमें क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमने बनाया, हम इनको प्रेजेंट कर सकते हैं इस फिगर के माध्यम से। कैसे कर सकते हैं देखिए ध्यान से, नीचे लिखिए क्लास इंटरवल, ये जीरो है, ये दस है, ये बीस है, ये तीस है, ये चालीस है, ये पचास है, ऐसे हमने बना दिया। आप सुनते जाइए, अब आपको क्या करना है, जैसे आप देख रहे हैं कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां तक मैक्सिमम गया है, पैंसठ तक, कहां तक गया है पैंसठ तक, आठ से पैंसठ, और गैप अगर देखो तो हम चलो दस दस का गैप कर देते हैं, या हम अगर आठ आठ का गैप कर दें, आठ आठ का गैप कर देता हूं, या दस दस का करो जो इफेक्टिव होता है। हमने लिखा दस, हमने लिखा बीस, हमने लिखा तीस, हमने लिखा चालीस, ये अपनी जरूरत के हिसाब से किया जाता है, पचास, देखो उस पर भी सेट होना बड़ा मुश्किल हो रहा था, हमने लिखा दस, बीस,
30, 40, 50, 60 और 70। देखो यहां तक पहुंच गए। अब सुनिए, बनाता है, बनाया कैसे जाता हो जाए। सुनिए, जैसे लिखा 0 से 10 पे कितना है, 8 है, तो 0 से 10 मतलब यहां पहुंच जाइए और लिखिए 8। 8 कहां होगा बताइए, 10 से थोड़ा नीचे यहां होगा, ऐसे डॉट बना दीजिए। 10 से 20 पर कितना है, 15 है, तो 20 पर जाइए और 20 पर जाइए, और 15 मतलब कहां होगा बताइए, यहां पर होगा, यहां पर। 20 से 30 पर 25 है, तो 25 पर पहुंचेंगे तो यहां पर पहुंचेंगे, ये देखो ऐसे डॉट कर दो। 25 से 30 पर, सॉरी 30 से 40 पर 40 है, तो 40 मतलब कहां होगा बताइए, ये सीधा होगा, ये ऐसे बना दिए 40। और फाइनली 40 से 50 पर 65 है, तो 65 कहां होगा, 60 और 70 के बीच में होगा। अब आप इसको कोई स्केल मत उठाइए, फ्री हैंड जैसे बनाया ऐसे जाता है, फ्री हैंड ऐसे बना दीजिए। ए है लेस देन ओजाइब, ठीक है, ओजाइब बन गया। अब ओजाइब में, ओजाइब की मदद से हमने क्या कहा कि जो है मीडियन हमको निकालना है, मीडियन निकालने की जरूरत, मीडियन कैसे निकलेगा सुनिए। जैसे आपने देखा कि जो डेटा यन था आपके पास वो कितना था, 65, तो आप कर दो मीडियन के लिए, मीडियन के लिए आप कर दो यन प्लस वन डिवाइड बाई टू, मतलब 65 प्लस वन डिवाइड बाई टू अर्थात 66 बटा दो, मतलब 33, 33वीं वैल्यू। 33 होगा कहाँ बताइए, 30 और 40 के बीच में यहाँ कहीं 33 होगा, होगा ना 33। अब देखो, अब स्केल उठा लीजिए, स्केल की मदद से सीधा ऐसे ले जाइए, ऐसे मिला दीजिए, सीधा मिलाना है आपको स्केल की मदद से, ऐसे मिला दीजिए और इसको नीचे ऐसे ड्रॉप कर दीजिए। देखिए 30 और 40 के बीच में है, एग्जैक्टली बीच में है, तो यह 35 पर गिरेगा करके। और अगर आपने कल प्रश्न हल किया था जिसका माध्यिका 35 ही आया था, इसकी माध्यिका क्या आई थी, 35 आई थी। तो मेरा कहने का अर्थ है कि हम ओजाइब की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मीडियन अर्थात माध्यिका निकाल सकते हैं। मेरी बातें समझ पा रहे हैं? तो आपने देखा कि एग्जैक्टली जैसे हमने कैसे किया, 30 और 40 के बीच 33 होगा, 33 पर गए, स्केल की मदद से जाकर इस लाइन को मिलाया, और मिला करके सीधा जब हम ड्रॉप करेंगे इसको तो जाकर वहीं गिरेगा जहां पर माध्यिका होगा। तो माध्यिका देखो 35 आपकी वहां भी आई थी, यहां भी बनकर सामने आ रही है। तो आपके यहाँ जो प्रश्न दो तरह का इसको लेकर पूछा जाएगा, एक तो यह फिगर ही ऐसे छोटा सा बना के दे देगा और कहेगा इसमें टोटल आंकड़े 65 है, 100 है, 50 है, आप इसकी माध्यिका बताओ क्या होगा। तो जितने आंकड़े हैं उतना हाफ कर दो, हमने बटा दो क्यों किया, एक प्लस एक बटा दो क्यों किया, क्योंकि यह इवन पर पहुंच जाए। अगर यही खुद 66 होता तो हम बटा दो सीधा कर देते, 33 कर देते। तो 33वीं वैल्यू देखो कहां लाई कर रही है, 33वीं वैल्यू यहां लाई कर रही है, सीधा इसको हम खींचेंगे, मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे इसको सीधा लाइन से, और सीधा इसको ड्रॉप करेंगे, जहां पर गिरेगा वही माध्यिका कहलाएगी। मेरी बातें समझ पा रहे हैं? ये आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता थी इसको, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप एक बार अच्छे से कंफर्म कर लेंगे तो दिक्कत की बात नहीं। एक बार यस आर नो बोलो कि हाँ कुछ समझ में आई बातें कि नहीं आई, फटाफट बता दीजिए फिर मैं आगे बढ़ू। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। तो आगे मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिसका नाम है मोड। क्या नाम है? मोड। मोड को हिंदी में कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक। मोड को हिंदी में कहते हैं बहुलक। अब बहुलक देखो क्या है, बहुलक मैंने आप लोगों से बताया जो बहुत बार आए वह बहुलक है, जो किसी भी ऑब्जर्वेशन में बहुत बार आता है उसी को हम बहुलक कहते हैं। बहुत बार आए वही बहुलक है, बार बार आए, सही बात है। जैसे मैंने कहा था आप लोगों की स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था, जो प्रायोरिटी में ज्यादा हो, जिसका उपयोग ज्यादा हो, उसी को हम बहुलक मान लेते हैं। मैंने कहा ना कि ये घर में जो है, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, जब आप हाई स्कूल पढ़ते थे तो कोई कोचिंग सेंटर में अगर आप पढ़ने जाते थे, आप जिस स्कूल के होते थे अगर उसके बच्चे ज्यादा हैं तो उसी पब्लिकेशन की गणित जो है टीचर आपको पढ़ाते थे। यह प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो खुद फील किया गया है। दूसरी बात, ऐसे मैंने कहा कि अगर जैसे कहीं पर किसी ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी तभी जब वह ग्रुप में सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है, तो जहां पे लोग ज्यादा हैं उन्हीं को हम लोग बहुलक मान लेते हैं, उनको हम प्रायोरिटी पर रख लेते हैं। घर में 10 सदस्य हैं परिवार में, जूते सब पहनते हैं, सबके स्टैंडर्ड नंबर 7, 8, 9, 10 ऐसे होता है। मैंने देखा कि 8 नंबर पहनने वाले 6 लोग हैं, बाकी कोई एक, कोई 8 पहन, कोई 9 पहनता, कोई 7, कोई 10 पहनता है, एक एक करके लोग हैं। तो मैक्सिमम जो प्रायोरिटी थी वो 8 नंबर की थी, तो 8 ही बहुलक कहलाया। जो अधिक अधिक बार आए, जिसका उपयोग सबसे ज्यादा बार हो, वही बहुलक है। इसमें हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इसके फार्मूले में, ना तो इसके प्रैक्टिकलिटी में, इसके प्रश्नों में। मैं आपको बताऊं तरीका क्या होता है।
इसमें जब बहुलक हम आपसे ज्ञात करने के लिए कहेंगे तो फार केवल इंडिविजुअल डेटा और कंटिन्यूअस डेटा, इंडिविजुअल डेटा के लिए हम बहुलक आपसे कहेंगे, इंडिविजुअल डेटा के लिए हम आपसे बहुलक कहेंगे। अर्थात जैसे हमारे पास मान लीजिए डेटा है x1, x2, x3, सो ऑन, अगर हम लोग xn तक पहुंच गए हैं ये। अब अगर जिसमें जो अधिकतम उपयोग इसका होगा, मतलब जो अधिक बार आए, इट इज कॉल्ड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन। मोड क्या हो गया? मोड, और अक्सर एक बात याद रखिएगा, मोड को जेड से डिनोट किया जाता है। मोड इज कॉल्ड हाईएस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन, वह मान है जो अधिक बार आए, वह मान जो सर्वाधिक बार आए, जो सर्वाधिक बार आए वो क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। जो सबसे अधिक बार आएगा वो मोड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए आप समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, वह कुछ ऐसे हैं, आंकड़े हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास आंकड़े हैं, साइज ऑफ द शूज, जूतों की साइज है, साइज ऑफ शूज है, अर्थात जूतों की साइज है, 10 नंबर पहनने वाले, 9 नंबर पहनने वाले, 8 नंबर पहनने वाले, 9 नंबर पहनने वाले, 9 नंबर पहनने वाले, 7 नंबर पहनने वाले, 8 नंबर पहनने वाले, 9 नंबर, इस तरह के घर में कुल 3, 3, 6, 2, 8 सदस्य थे, सब लोग जूते पहनते हैं, कोई 10 नंबर का, कोई 9 नंबर का, कोई 8, इस तरह से पहनते हैं। मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन है मोड, कौन है मोड? अब जैसे यहाँ पर आपने नोटिस किया कि 10 नंबर पहनने वाले 1 लोग हैं, ठीक है, 9 नंबर पहनने वाले 1, 2, 3 और 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, 8 नंबर पहनने वाले केवल 2 लोग हैं, और 7 नंबर पहनने वाले कितने लोग हैं? 1 लोग हैं। तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है बताइए? 9 नंबर। तो हमारा जो है 9 जो है सर्वाधिक बार आया है, इसलिए मोड हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 9, क्योंकि दैट इज द मैक्सिमम अकरिंग ऑब्जर्वेशन, वही सबसे अधिक बार आने वाला ऑब्जर्वेशन है, तो वही आपका मोड है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन ये होता है, जैसे कभी कोई आंकड़ा, जैसे आप देखो, मान लो मैंने कहा कि हमारे पास कुछ डेटा दिए गए हैं, 8 है, 7 है, 6 है, 9 है, 8 है, 3 है, 5 है, 6 है, 4 है, 6 है, आपसे कहा जाए कि इसका मोड फाइंड करो। अब आप यहां पर एक कंफ्यूजन आपको मिल रहा होगा, इसलिए मैं आपको इसको बता रहा हूं। मैंने देखा कि हम ऑब्जर्वेशन को देख रहे थे और फ्रीक्वेंसी देख रहे थे, मैंने देखा 8 का उपयोग कितनी बार है? 1, 2, 3, 3 बार है। 7 का उपयोग कितनी बार है? 1 बार है। 6 का उपयोग कितनी बार है? 3 बार है। 9 का उपयोग कितनी बार है? 1 बार है। 3 का उपयोग कितनी बार है? 1 बार है। 4 का उपयोग 1 बार है। 5 का उपयोग 1 बार है। मैंने नोटिस किया कि इसमें सबसे ज्यादा बार 8 आया है और 6 आया है। तो यहाँ पर 2 मोड होंगे, 2 मोड, मतलब इसमें दोनों लोग को प्रायोरिटी मिलेगी। किसको किसको मिलेगी? 8 को भी मिलेगी और 6 को भी मिलेगी। तो बोथ आर द मोड हियर, मतलब मोड 2 हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो मोड अगर, मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन जो बराबर हो जा रहा है और मैक्सिमम भी है, दोनों मोड हो सकते हैं। इसी के लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें से कोई एवरेज निकालना, नहीं, ये हमारा मोड है दोनों, ठीक है। अब ये तो चलो ठीक है भाई, यहाँ पर आपके पास आंकड़े बिखरे पड़े हैं, आपको सिक्वेंशियल करना होता है, फ्रीक्वेंसी चेक करनी होती है, तब जाकर के हम लोग मोड कैलकुलेट कर पाते, निकाल पाते हैं, आपको आइडिया है। अगर यही डेटा डिस्क्रीट होता है तो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी होती है, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होता और हम आराम से सोच पाते हैं, ठीक है, हमें वहां कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं आती है। प्रॉब्लम कब आती है पता है? प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास डेटा, भाई सीधी सी बात, आप अगर अपने सेंसस से भी सोचो तो जब डेटा ऐसे दिए हैं, फार्मूला होता है पारुल जी, अभी उसके लिए होता है, कंटिन्यूअस के लिए, मेरी बात सुनिए, हमने कहा कि जब हमारे पास इस तरह के आंकड़े दिए गए हैं तो आंकड़ों में हमारे पास, हमको फिल्टर करना है, हमको असेंडिंग डिसेंडिंग, या हम कह सकते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मेंशन करना हमारे लिए जरूरी है कि कौन कितनी बार आ रहा है। अगर मान लो डिस्क्रीट डेटा दिया गया है, तो डिस्क्रीट डेटा मतलब ऑब्जर्वेशन साथ साथ उसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कोई चैलेंज ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अगर बारंबारता भी दी गई है तो कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई। तो इसलिए डिस्क्रीट का कोई स्पेसिफिक मेथड होता ही नहीं इसमें। डिस्क्रीट में डेटा साफ साफ दिया रहता है, उसके सामने जो अधिक बार आया होता है उसी को हम मोड मान लेते हैं। हाँ, कंटिन्यूअस जरूर होता है और कंटिन्यूअस को हमें समझना चाहिए।
हम देखिए, इसलिए हम डिस्क्रीट के लिए कोई फार्मूला नहीं बता रहे, हमने लिखा कि मोड फॉर कंटिन्यूअस डेटा, अर्थात हमारे पास डेटा कुछ ऐसे होगा जो आप लोग हमेशा पढ़ते आए। देखिए डेटा कुछ ऐसे रहेगा, क्लास इंटरवल होगा अर्थात, और बारंबारता होगी, मतलब x0 से x1, x1 से x2 ऐसे बढ़ते जाइए, और xn-1 से xn, f1 f2 so on fn। अब हमको मान लो अगर मोड कैलकुलेट करना है जेड, तो मोड का फार्मूला यहां पर एक वर्क करता है, जो होता है L0+f1-f0/2f1-f0-f2 × i, ये फार्मूला होता है, इसको नोट करिए। मैं सबके बारे में बता देता हूँ कि सब में कौन, बहुत आसान होता है इसका, बल्कि अब देखो कैसे होगा। L0 मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F2, ये देखो ये समझ में तब आएगा ना जब इसको भी एग्जांपल से हम समझाएंगे। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। अभी हिंदी में समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। और लास्ट देख लीजिए एक चीज और है, आई विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। तो हिंदी में अगर समझें तो एक देखिए, यहाँ पर हमें बहुलक कक्षा बनानी होती है, जैसे कल आप लोगों ने मीडियन क्लास बनाया था, उसी प्रकार से एक यहाँ पर बहुलक कक्षा बनानी होती है, तो दैट इज कॉल्ड द मॉडल क्लास। तो व्हाट इज द मॉडल क्लास? मॉडल क्लास है क्या? वह बहुलक कक्षा कौन होती है बताइए, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, वही क्या है? मॉडल क्लास है। तो आपको सबसे पहले मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा, कौन सी क्लास जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, दैट विल कॉल द मॉडल क्लास। अब उस मॉडल क्लास को पहले पहचान लीजिए, फिर उसकी लोअर लिमिट ले लो, उसकी फ्रीक्वेंसी ले लो, उसकी बारंबारता क्या है, उसके पहले वाले कक्षा की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके बाद वाले कक्षा की फ्रीक्वेंसी क्या है, और उसके क्लास अंतराल मतलब वर्ग अंतराल में डिफरेंस क्या है। बस प्रैक्टिकल एग्जांपल हिंदी में समझना हो, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास अर्थात निम्न सीमा किसकी, माध्यिका बहुलक कक्षा की, F1 उसकी बारंबारता क्या है, F0 उसके पहले वाली कक्षा की बारंबारता क्या है, F2 उसके बाद वाली कक्षा की बारंबारता क्या है, I उसके वर्ग अंतरालों में फर्क क्या है, उसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा में अंतर क्या है। इतना अगर हम अप्लाई कर देंगे तो हमें तुरंत प्रश्न का हल मिल जाएगा। अब मान लो आपके पास एक प्रश्न आया, ये कितनी आसानी से आप करेंगे, ये देखिए ये प्रश्न आया, प्रश्न में देखो आपको दिया है वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी दिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 30 to 40, 40 to 50। बारंबारताएं देखिए 8, 10, 15, 12, 7 ये। अब आपसे कोई कहे कि इसका मोड बताओ क्या होगा, बहुलक, हम कहेंगे हमको एक फार्मूला पढ़ाया गया है, फार्मूला क्या है बताइए, फार्मूला है L0+F1-F0, अच्छे से लिख देता हूं मोड का फार्मूला, L0 प्लस एफ वन
माइनस एफ जीरो अपान टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू आई, ये फार्मूला है। मुझे यहां पर आप एक बात बताओ कि सबसे पहले अगर आप हमें देख करके सोल्यूशन इसका समझ पा रहे हैं तो इसमें कौन सी क्लास है, मॉडल क्लास, विच इज द मॉडल क्लास हियर, मतलब वह कक्षा कौन सी है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, दैट विल कॉल द मॉडल क्लास, कौन होगी बताइए, ये होगी कि नहीं, दिस इज मॉडल क्लास, व्हाई, क्योंकि इसकी बारंबारता सर्वाधिक है। जो 20 से 30 वाली कक्षा है यही आपकी मॉडल क्लास है क्योंकि इसकी बारंबारता सर्वाधिक है। इस फ्रीक्वेंसी को एफ वन कहेंगे, मतलब वह जिसमें रहती है उसकी बारंबार, जो मॉडल क्लास है उसकी बारंबारता को एफ वन कहेंगे, उसके पहले वाले की बारंबारता को एफ जीरो कहेंगे, उसके बाद वाले को एफ टू कहेंगे, ठीक है। विड्थ क्लियर ही है, लोअर लिमिट क्लियर ही है, फार्मूले पर आ जाइए। तो जेड इज इक्वल टू एल जीरो, इसकी लोअर लिमिट क्या है बताओ, सोच के, 20 है, 20 है, देखते जाइए जो आप कहोगे वही लिखूंगा। एफ वन इसकी बारंबारता क्या है, 15 है, इसके पहले वाली कक्षा की बारंबारता क्या है, 10 है, दो गुड़े एफ वन कर दो अर्थात 15, माइनस 10 कर दो माइनस 12 गुड़े क्लास अंतराल में जो फर्क है 10 का, चलिए लिखो 20, बाकी की वर्किंग समझ लीजिए। 5 है भाई, 5 ही होगा, 30 में से 22 निकलेगा तो 8 बचेगा, भाई 15 दूना 30, 30 में से 22 निकलेगा तो 8 बचेगा, गुड़े आप कर दो 10 है, 2 चौके 8 है, 2 पंचे 10 है, 5 पचे 25 बटा 4 है, तो हो गया 20 प्लस 6 सही 1 बटा 4, तो हो जाएगा कुल मिला के 20 से 26 सही 1 बटा 4 या 26.25, यही इसकी हमारी बहुलक है, 26.25, दिस इज द मोड फॉर द गिवन डेटा। तो सांख्यिकी में ये मत सोचना कि ऐसे प्रश्न हमको मिल जाएंगे जो कंपटीशन में, और हम कहेंगे हमसे कि आप इसको हल करो और बड़ा सा बड़ा जो है, तो सब फैक्ट बेस्ड होते हैं और ऐसे होते हैं जो हमारी सेंस पे तुरंत हल हो जाते हैं। मैं आपको सीट आज दूंगा, एल जीरो मतलब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कहा जाएगा किरण, आप देखिए 20 से 30 है तो उसी को हम लोग, उसमें जो लोअर होता है, मैंने इसको इसलिए बताया था, इसका 20 जो है लोअर लिमिट कहलाएगा, इसलिए सारे प्रश्न फैक्ट बेस्ड होंगे। मैं आपको सीट दूंगा आज और सीट को ही हल कराना मेरा काम रहेगा अगली क्लास में, जो अगली दो क्लास होंगी, अभी इसकी दो और लूंगा मैं क्लास, तो उन दोनों क्लासेस में केवल और केवल सीट ही हल कराऊंगा। आई मतलब दोनों के बीच का फर्क, जो अंतर है दोनों में, इनके बीच का जो फर्क है, इनटू है भाई, वो एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है, एक्स आई नहीं केवल आई है, ये देखिए इनटू नहीं इनटू है, ठीक है। मोड का यह क्वेश्चन भी मैंने हल करवाया था आप लोगों को इस फार्मूले के माध्यम से, मैंने आपको बताया था मोड मतलब ऐसा डेटा जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेन करता है, कंसीव करता है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है उसी को मोड कहते हैं। अगर हमें कोई नॉर्मल डेटा कलेक्शन दिया है, हमें ऐसे ही कुछ 10-5 रैंडम डेटा दिए हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वही हमारा मोड कहलाता है, वही हमारा बहुलक कहलाता है। आज मैंने अभी एक सीट भेजी है, उसका एक वर्ड फाइंडर रेडी नहीं है, और सीट आप लोगों ने देखा होगा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हैं, तो उससे आप लोग अपना कंक्लूजन कर सकते हैं, मतलब जितना कुछ अभी पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। कुछ बातें रह गई थी जो कि मैं थोड़ी देर में स्पष्ट कर देता हूं, इसके बाद फिर हम लोग यहां पर आगे की बातें, आगे की प्लानिंग यहां पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मोड को आपने नोटिस किया कि मोड अगर हमारे पास कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, एक सूत्र होता है एल जीरो प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू आई, आप इस फार्मूले को अच्छी तरह से सीख लीजिए, ये फार्मूला कभी प्रॉब्लम ना दे और ये हमेशा तैयार रहे। कल मैंने जब कहा था कि हमारे पास इस टाइप के डेटा है जिसमें अंतराल दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, उनकी फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारताएं दी गई हैं, तो हम लोग सबसे पहले एक मॉडल क्लास निर्धारित करते हैं, मतलब उस क्लास को निर्धारित करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक होती है, और उसके बाद क्या करते हैं बताइए, इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। एल जीरो मतलब द लोअर लिमिट आप इसकी लेते हैं जो 20 लिया हमने, एफ वन मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी, एफ जीरो मतलब उसके पहले वाली कक्षा की फ्रीक्वेंसी, एफ टू मतलब उसके बाद वाली कक्षा की फ्रीक्वेंसी, अपान जो 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू करेंगे, इंटू 10, 10 मतलब क्या है, द विड्थ ऑफ द क्लास, क्लास के अपर और लोअर लिमिट में फर्क क्या है, दोनों का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको मीडियन पढ़ाया था, तो अगर याद होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मीडियन में मैंने कहा था कि एक मेथड होता है ओजाइब, ओजाइब ओजीआईबीई, ओजाइब मतलब हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को ड्रा कर देते हैं ना, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, हमने कहा था मीडियन को हम ओजाइब की मदद से हल कर सकते हैं। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपसे प्रश्न पूछा जाता है सीधा सीधा कि निम्नलिखित में कौन से रिप्रेजेंटेशन से आप माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं, आपको दे देगा हिस्टोग्राम, पाई चार्ट,
बार ग्राम और साथ साथ दे दिया ओजाइव, तो आप कहोगे ओजाइव की मदद से हम लोग जो है माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और होता है जिसको आपने बहुत बार सुना होगा, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम मतलब आयत चित्र कहलाता है, उसकी मदद से हम लोग बहुलक ज्ञात कर सकते। तो अपनी कॉपी में एक लाइन नोट कर लीजिएगा, ये जरूर रखिएगा क्या कि हिस्टोग्राम, मैं भी करके दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। हिस्टोग्राम मतलब हिंदी में आयत चित्र कहलाता है। आयत चित्र की सहायता से बहुलक ज्ञात किया जाता है, बहुलक ज्ञात किया जाता है। ठीक है, मतलब हिस्टोग्राम की मदद से हम क्या निकालते हैं, बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, अब कुछ बातें समझिए कैसे करते हैं। जैसे मान लो आपके पास जो डेटा था, अभी आप नोटिस कर रहे थे कि 0 to 10, 20, मैं इसको बना के दिखाता हूं आप लोगों को कैसे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में एक डेटा आपको सेट दिया है, डेटा क्लास इंटरवल और साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी। ये क्लास इंटरवल है और इसकी फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल क्या क्या है देखिए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और फाइनली 40 to 50। और फ्रीक्वेंसीज देख लीजिए क्या क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी 8, 10, 15, 12, 7 8, 10, 15, 12, 7। ये हमारे पास क्या है, उनकी वर्ग अंतराल दी गई है। ठीक, तो यहां पर क्या होगा कि हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम देखिए बनेगा कैसे, हिस्टोग्राम इसके लिए हम अगर बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा ऐसे कुछ बनाया जाता है। मैंने इसके पहले वाली क्लास में बहुलक बताया था, बहुलक देखिए ये प्रश्न लिया था मैंने इसको हल भी कराया था। मैंने कहा था बहुलक का जो फार्मूला होता है, जब कभी हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज हो तो उस समय हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, मोड जेड इज इक्वल टू एल जीरो प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू आई। इस फार्मूले का उपयोग करके हम बहुलक तो ज्ञात कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ हमारी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोई ग्राफिकल, जैसे आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछूं कि अगर मीडियन को हम किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो उसका नाम क्या है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो आरेखीय चित्र होते हैं, आरेखीय चित्र में जैसे आपके सामने कई अलग अलग चित्र होते हैं, पाई चार्ट होता है, फ्रिक्वेंसी वालीगन होता है, ठीक है, या हिस्टोग्राम होता है, बार ग्राफ होता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने बहुलक के लिए आप लोगों को फार्मूले बताए कि अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूअस डेटा है तो हम उसका बहुलक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये आपने पढ़ा। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम उसकी मदद से हम बहुलक कैसे, सॉरी मीडियन कैसे ज्ञात कर पाएंगे। मीडियन ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम ओजाइव का उपयोग करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि हिस्टोग्राम दिया है, पॉलीगन दिया है, ये सब दिया है, तो किसकी मदद से आप जो है मीडियन निकालते, तो आप कहोगे सर ओजाइव की मदद से। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पर एक लाइन आपको लिख पाया था, याद होगा कि हिस्टोग्राम जिसको आयत चित्र कहते हैं, की सहायता से बहुलक ज्ञात किया जाता है। बहुलक ज्ञात किया जाता है मतलब हिस्टोग्राम क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें रेखीय मतलब आयतीय चित्र का उपयोग किया जाता है। अब हमारे पास जैसे मान लो यह प्रश्न था जिसको मैं हल करना चाहता था, मैंने आप लोगों से उस दिन डिस्कस किया था और लास्ट में हो नहीं पाया। देखो मैंने इसका उत्तर ऑलरेडी बता रखा है और उत्तर कितना है वो भी देख लीजिए आप लोग। उत्तर इसका आया था 26.25। अब हमारे सामने मैंने कहा था इसको हम आयत चित्र अर्थात हम हिस्टोग्राम की मदद से हल कर पाएंगे। तो मेरे पास जो डेटा दिया था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, उसकी फ्रीक्वेंसी 8, 10, 15, 12, 7 दी गई थी। हम लोग आयत चित्र पहले बनाते, बनता कैसे, देखो 0 होगा 10, ठीक है 20, 30, 40, 50 इस तरह से दिया गया है। फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए तो फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे क्या लिखी गई है, फ्रीक्वेंसी 8, 10, 15, 12, 7 ऐसे रही है। तो हम लोग ऐसे कुछ गैप लेकर के चलते हैं, 2 क्योंकि कुल मैक्सिमम 15 है ना, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ये हमारी क्या है फ्रीक्वेंसी।
अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें आय चित्र बनाते हैं। जैसे हमने कहा 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी 8 है, तो 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी हमने बना दी 8 है। 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 10 है, तो 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग कुछ ऐसे बनाएंगे, देखते जाइएगा। 20 से 30 का 15 है, तो 15 कहां पे होगा बताइए, 14 और 16 के बीच में होगा, 14 और 16 के बीच में होगा ऐसे। अब आप ये जानते हो कि बनाना नहीं आता हमारी परीक्षा में, बना बनाया फिगर है, उसके उपयोग की बात की जाएगी, हम वेरीफाई कर सके कि हम लोग इसका उपयोग करके कैसे करते हैं ज्ञात। 30 से 40 में 12 है, तो 12 देखो यहां पर है, ये देखिए 12 ए हो गया, और 40 से 50 में 7 है, तो 6 और 8 के बीच में होगा 7 ए। ये हमारा हिस्टोग्राम होता है, इसी को कहते हैं हिस्टोग्राम, जिसमें आय चित्र का उपयोग किया जाता है। अब जैसे मान लो आप जब फार्मूले की मदद से किए थे, मोड निकाले थे, तो फार्मूला क्या था बताओ, एल जीरो प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू आई। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हम किस क्लास के लिए, किस क्लास से डेटा निकालते हैं, तो आप बताया कि सर जो है जो मॉडल क्लास होती है वहां से डेटा निकालते हैं। मॉडल मतलब जो सबसे बड़ी क्लास है, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है, ठीक है। अब इसमें आप मुझे बताओ सबसे बड़ी क्लास, अब थोड़ा तिरछा बना है, सही से बना नहीं है, सबसे बड़ी बारंबारता वाली कक्षा कौन सी दिख रही है आपको, साफ साफ दिख रहा होगा 20 और 30। तो सबसे बड़ा बार डायग्राम, सबसे बड़ा आयचित्र ए है मेरा 20 से 30 वाली कक्षा का। हम जाएंगे इसके इस किनारे पर, ध्यान से देखिएगा, हम मतलब दोनों किनारों पे जाना है। आप भी गए थे यहाँ पर, हमने कहा था कि हम अगर अपनी फ्रीक्वेंसी मानते हैं उस मॉडल क्लास की, तो उसके पहले उसके बाद जाना पड़ता है। तो हम लोग इस किनारे जाएंगे और इस किनारे जाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे लाके मिलाएंगे, ध्यान से देखते जाइए करते कैसे हैं। इसको ले जाके इससे मिलाएंगे, इसको ले जाके इससे मिलाएंगे, जहां दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा हो उसको ले जाके सीधा ऐसे ड्रॉप कर देंगे। उत्तर देखिए 25 से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, मतलब नियरर टू 26.25, जो आपका मोड आ रहा है 26.25, जो हमारे पास वहां पे आया हुआ था उसी एकदम लगभग लगभग। अब जिस पे इसको ड्रॉ करोगे प्रॉपर, तो आपको एग्जैक्टली डेटा भी मिल जाता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 उस तरह से जैसे स्केल में बनाया जाता है वैसे सोचेंगे, तो एग्जैक्टली आपको डेटा पता चल जाएगा। आपके यहाँ परीक्षा में ऐसे ही हो सकता फिगर बना दे, बना के यहाँ पर ऐसे डॉट कॉलम करके दे भी देगा कि मतलब 20 के बाद 21 22 23 24 25 ऐसे डिवाइड करके, और आप एग्जैक्टली उस डेटा तक पहुंच जाएंगे जो आपके लिए आवश्यक है। तो आपको याद रखना है कि बहुलक हम लोग किसकी मदद से करते हैं, बहुलक हम लोग जो है आय चित्र की मदद से करते हैं और उसी की मदद से निकालते हैं। किसी भी जो है डेटा का हम लोग बहुलक आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्लियर होना चाहिए और उसी एक्टिविटी को आपको फॉलो करना चाहिए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा ना। दूसरी कुछ और बातें हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। एक रिलेशनशिप होता है, नोट कर लीजिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, मतलब ये भी पूछा जाता है, मीन मीडियन एंड मोड, मीन मीडियन एंड मोड अर्थात माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध, माध्य माध्यिका और बहुलक, माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध। अगर हम तीनों के बीच एक संबंध की बात करें, इसका फार्मूला पूछ लिया जाता है आप लोगों से तीनों के बीच का, तो फार्मूला किसी को याद हो तो बता दें। अगर तीनों के बीच का एक रिलेशनशिप का एक फार्मूला हमको क्लियर हो, जैसे मान लो दो डेटा दे करके एक हमसे पूछा जाए, इसका फार्मूला होता है मोड इज इक्वल टू, अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं फिर हिंदी में, थ्री मीडियन माइनस टू मीन। मतलब ये सूत्र होता है तीनों के बीच का कि क्या संबंध बनकर आएगा। आप लिख सकते हैं कि बहुलक बराबर तीन गुड़े माध्यिका माइनस दो गुड़े माध्य। ये सूत्र आपको याद रखना है कि तीनों के बीच का संबंध, ये फार्मूला उपयोग में आता है, थ्री मीडियन, बिल्कुल थ्री मीडियन माइनस टू मोड, टू मीड मीन। एक और चीज है, कभी कभी देखिए जो डेटा हम लोग को दिया जाता है, क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक्स के डेटा होते हैं वो अलग अलग नेचर के होते हैं। जो डेटा आपको दिए जाते हैं जो जनरल कर्व पर बेस्ड होते हैं, जनरल लाइन पर बेस्ड होते हैं, उनके लिए आपको याद रखना है एक संबंध और, कि कभी भी हमें कहते हैं कि जो मीन होता है, मतलब इनके बीच का असेंडिंग डिसेंडिंग भी पूछा जाता है, वो बड़ा होना चाहिए मीडियन से, और मीडियन मतलब सेम डेटा की बात की जाती है, फॉर द सेम डेटा मतलब समान डेटा के लिए मीन बड़ा होता है मीडियन से और मीडियन बड़ा होता है मोड से। अर्थात हम लिख सकते हैं कि माध्य सबसे बड़ा, फिर माध्यिका, फिर बहुलक, ये होता है, ठीक है। माध्य माध्यिका बहुलक के बीच का संबंध ये होता है कि माध्य अगर सबसे देखा जाए तो असेंडिंग में, डिसेंडिंग में लिखोगे तो सबसे पहले माध्य आएगा, फिर माध्यिका, फिर बहुलक आएगा, ठीक है।
ये तीनों सूत्र आपको, दोनों सूत्र यहाँ पर तैयार करने, दोनों रिलेशनशिप क्लियर होने चाहिए। अब देखिए इन लोगों को लेकर के कुछ प्रैक्टिस हमारे पास है, कुछ सेट है, लेकिन एक बात मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ, उसको सुन लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आ रहा है कि नहीं समझ में? जैसे आपसे पूछा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, मीन मीडियन मोड, तीनों होती है, तीनों होती है, माध्य भी होता है, माध्यिका भी होता है, बहुलक भी होता है, ठीक है, तीनों होता है। इसी तरह से आपसे पूछा अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य, समांतर माध्य का सूत्र आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में क्या होगा। जैसे अवर्गीकृत मतलब आपके पास जो डेटा दिए गए, देखो ये तो माध्य है नहीं, ये माध्य है नहीं, बचा क्या आपके सामने, ए वाला बचा आपके पास, ए वाला, लेकिन यहाँ पर तो आपके पास नहीं, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे अगर माध्य का फार्मूला देखा जाए तो अगर डेटा हमारे पास क्या दिए हैं, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड सो ऑन ऐसे दिए गए हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इस समय माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा। इसको लेकर के अगर कंफर्म करें तो सबको जोड़ करके हम लिखते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस सो ऑन एक्स एन डिवाइड बाई एन, इसी को आप लिख लेते हैं सिग्मा ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन। ये फार्मूला होता है पहले का, इसको हम लोग उपयोग में ला सकते हैं माध्य के लिए, पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता है। संयुक्त समांतर माध्य क्या होता है, संयुक्त का मतलब ये होता है, आप ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो कि हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें N1 लोग हैं, जैसे एक समूह है जिसमें N1 लोग हैं, एक दूसरा ग्रुप है जिसमें N2 लोग हैं, मतलब ये संख्या हो गए, पद हो गए, ये भी पद है, ये भी पद है, ठीक है। इनका माध्य अगर X1 बार है, इनका माध्य अगर X2 बार है, मतलब दो पद हैं, इनके माध्य अलग अलग दिए गए हैं, पदों की संख्या दी गई है, दो समूह हैं N1 N2, मतलब पहले में मान लो 100 लोग हैं, दूसरे में 85 लोग हैं, दोनों के अलग अलग माध्य दिए गए हैं, तो इनका कंबाइंड मीन अर्थात संयुक्त समांतर माध्य, कंबाइंड मीन का फार्मूला होता है जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त समांतर माध्य, संयुक्त समांतर माध्य। इसका सूत्र होता है एक्स बार इज इक्वल टू N1 X1 बार, मतलब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, प्लस N2 X2 बार, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, अपान N1 प्लस N2। ये सूत्र होता है संयुक्त समांतर माध्य का। अभी आपके सामने क्या हो जाएगा, N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार डिवाइड बाई N1 प्लस N2, तो इसी ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य निम्नलिखित में क्या होगा, वर्गीकृत जब आपके पास कंटिन्यूअस डेटा होता है उसमें, तो ए तो मतलब डायरेक्ट डेटा के लिए हो गया, ए भी आपका डिस्क्रीट डेटा के लिए हो गया, ए आपके पास देखो यही होगा, जब हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ते हैं एज्यूम्ड में, देखो सूत्र क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी डैश, या वही चीज एफ आई यू आई बोल दिया जाता है, अपान सिग्मा ऑफ एफ आई होता है, एफ डी डैश मतलब एफ आई यू आई बेसिकली वहां बोला गया, इंटू आई कर दिया, ठीक है। ये सूत्र हो जाता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य का, डी ऑप्शन होगा इस प्रश्न का हल, ठीक है। सभी माध्य के फार्मूले, ए भी है डायरेक्ट डेटा मतलब जो आपके इंडिविजुअल डेटा होते हैं, ये आपका डिस्क्रीट के लिए हो गया, ये आपका भी डिस्क्रीट के लिए होता है जो इसका, लेकिन ये गलत है फार्मूला, डी से अगर अप्लाई किया तो ए इसमें यूज होना चाहिए, डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही हल होगा। निम्न प्राप्त अंकों के लिए यदि संख्या विषम है तो माध्यिका क्या होगी, माध्यिका के लिए सूत्र आपने पढ़ा होगा, तो आप लोग इसको कर लीजिए अपने मन से, इसको ट्राई करिए, जो जो प्रॉब्लम रहे प्रॉब्लम हम लोग रिव्यू करके डिस्कस कर लेंगे। क्या हो जाता है बताइए, एन प्लस वन अपान टू वा पद, एन प्लस विषम के लिए क्या होता है, एन प्लस वन अपान टू वा पद, आप लोग ट्राई करिए आपको सब क्लियर हो जाएगा, मतलब इस सूत्र पे बेस्ड है और सब चीज। अब देखिए ये पूछा है कौन सा कथन सही है, बहुलक बराबर 3 × माध्यिका - 2 × माध्य, सी ऑप्शन, अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं, 3 × माध्यिका - 2 × माध्य। अब बताइए, अभी यही बताया बहुलक माध्यिका और समांतर माध्य में क्या संबंध है, माध्य बड़ा होता है माध्यिका से, माध्यिका बड़ा होता है बहुलक से, पहला ऑप्शन। तो ये आपको कंफर्म करना, अपने से इसको ट्राई करिए, आप लोग अपने से ट्राई करिए, अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। इसका समांतर माध्य पूछा है, सबको जोड़ करके जितने पद हैं उससे भाग कर दीजिए, समांतर माध्य पूछा है, 5 × 3 = 8, देखो 3 + 5 + 6 + 8 + 9 + 7 + 3 + 4 + 0, और पदों की संख्या 0 भी लेना है हम लोग को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 5 × 3 = 8 = 14 + 14 = 22 + 21 = 31 + 37 = 38 + 38 = 41 = 45 45/9 है, 9 × 5 = 45 होता है, 5 आएगा। ऐसे इसका समांतर माध्य आपको निकालना है, आप लोग बता लेंगे, इसका समांतर माध्य निकालना है भी बता लेंगे आप लोग,
25 प्रथम प्राकृतिक, ऐसे मैंने एवरेज में इसको डिस्कस किया था, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। इसको आप लोग अपने मन से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप अपने मन से करिए। बताइए प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 25+1/2 होता है ना। पहली मतलब जब भी संख्याएं कंटिन्यूअस होती है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 होता है। हालांकि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के लिए n+1/2 होता है, 13 हो जाएगा। ठीक, अब आप लोग अपने मन से इसको ट्राई करिए, जो प्रॉब्लम रहेगी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।